हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लेक्चर सीरीज पर मैं पांचवा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं और आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स पर, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़े हैं वो केवल और केवल ओपन लूप पढ़ा है हमने, जिसमें कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं था। तो आज हमें देखना है आखिर ओपन लूप का क्या डिसएडवांटेज है, जिस डिसएडवांटेज की वजह से मार्केट में फीडबैक सिस्टम आया, और निगेटिव फीडबैक के क्या एडवांटेज हमें मिले जिसकी वजह से हम मोर वर्सेटाइल एप्लीकेशन। एक्चुअल में देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हमने जो ऑपएम की डिफिनीशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स, हम बार बार कहते थे कि ऑपएम एक हाई वोल्टेज गेन डायरेक्ट कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसकी सहायता से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जोड़ना घटाना गुणा भाग लॉग एंटी लॉग अवकलन समाकलन जैसे गणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा है अभी तक जब तक ऑपएम को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में मैं रख रहा हूं तब तक कोई भी आपने ऐसा गणितीय ऑपरेशन अभी तक नहीं देखा। तो अगर मुझे इस पर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो स्टूडेंट्स यहां फीडबैक सिस्टम की जरूरत आएगी। क्यों हमें फीडबैक की रिक्वायरमेंट है और फीडबैक के द्वारा इस निगेटिव फीडबैक को देकर हम एक अनस्टेबल सिस्टम से कैसे स्टेबल सिस्टम पर पहुंचते हैं, यह बात अब हमें वॉच करनी है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का पहला रिक्वायरमेंट है कि क्यों हम निगेटिव फीडबैक लेकर इसको मोर स्टेबल बना सकते हैं। तो फीडबैक टोपोलॉजी पर निगेटिव फीडबैक लेने का क्या एडवांटेज होगा, इसके लिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के डिसएडवांटेज से मैं बातें स्टार्ट करूंगा। तो वन बाय वन आप चीजें समझेंगे। अभी जो मेरा 10 मिनट का डिस्कशन है वो केवल इस पर है कि ओपन लूप पर क्या डिसएडवांटेज आ रहा है हाई गेन के साथ। देखें सबसे पहले अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, जैसे आप वॉच करें बहुत इजी वे में समझेंगे चीजें। हमने स्टूडेंट्स स्टार्टिंग क्लासेस में देखा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर अगर कोई गेन ए है, इस गेन को मैं ए ओ एल भी लिख सकता हूं। ओ एल सफिक्स में लिखने का मतलब है ओपन लूप। ओपन लूप का मतलब विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के ये सिस्टम डिजाइन है। और इस एम्पलीफायर पर यहां माइनस और यहां प्लस दो इनपुट है। वी प्लस का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग और V माइनस का मतलब है इन्वर्टिंग। स्टार्टिंग क्लास में आप देख चुके हो इन दोनों के डिफरेंस को हम VID कहते हैं। और यहां पर सप्लाई वोल्टेज पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपम के अंदर लगा होता है जिससे BJT पर कलेक्टर टू कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज को प्लस VCC से दिखाते हैं और निगेटिव सप्लाई को एमीटर टू एमीटर पर माइनस वी डबल ई से दिखाते हैं। तो ये ऑपम का सिंबल है और इस पर मैं अगर ये बात करूं कि यहां ऑपम अभी विदाउट फीडबैक है तो स्टूडेंट्स ऑपम पर क्या लॉजिक बन सकते हैं जरा समझें। मैं अगर बोलूं ऑपम पर ओपन लूप गेन की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ओपन लूप गेन का मतलब है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट पर बनने वाला वोल्टेज है वी नॉट और इनपुट पर वोल्टेज की मैं बात करूं तो इन दोनों का अंतर है जिसे हम बोलते हैं वी आई डी। तो यहां से वी नॉट का मतलब है ए ओ एल इंटू वी आई डी। नाउ सी, अगर मैं बोलूं यहां पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ए ओ एल इंटू वी आई डी है तो इस बात को नोटिस करिए यहां पर वी नॉट का मतलब है आउटपुट वोल्टेज, राइट। इसके बाद अगर मैं बोलूं ए ओ एल का क्या मतलब है तो स्टूडेंट्स याद रखें पुरानी क्लासेस में जब तक मैं ए लिख रहा हूं तो भी इसका मतलब यहां क्या था, गेन। ए वी लिख रहा हूं वोल्टेज गेन के लिए मैं बात कर रहा था, ए ओ एल लिख रहा हूं तो ओपन लूप गेन। ये तीनों बातें अभी तक सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आज की क्लास में ए ओ एल लिखने का मोटो यह है क्योंकि आज हम ओपन लूप से क्लोज लूप में जाएंगे तो क्लोज लूप में फीडबैक आएगा, इसलिए मैं स्टूडेंट्स ओपन लूप के लिए जहां फीडबैक नहीं लगा वहां AOL स्पेसिफाई कर रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरेंस बना रहे। नाउ सी, AOL को हम बोल सकते हैं ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन समटाइम्स। इसी को स्टूडेंट्स बोलते हैं गेन विदाउट फीडबैक, गेन विदाउट फीडबैक, राइट। इसके बाद
अगर मैं आपसे पूछूं वीआईडी का क्या मतलब है, तो आप सभी जानते हैं वीआईडी का मतलब है इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, इनपुट पर वोल्टेज का अंतर, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। और इस वीआईडी की वैल्यू होती है, इस वीआईडी की वैल्यू है वी प्लस माइनस वी माइनस। दूसरी बात, ये जो ऑप एम्प मैंने कंसीडर किया, इस पर अपनी तरफ से मैंने स्टूडेंट्स मान लिया यहां सप्लाई वोल्टेज प्लस 15 वोल्ट और निगेटिव की सप्लाई वोल्टेज को मैंने मान लिया माइनस 15 वोल्ट, राइट। तो आपने दो तरह की सप्लाई वोल्टेज यहां एज्यूम कर ली, एक प्लस वीसीसी पर प्लस 15, माइनस वीडब्ल्यू पर माइनस 15। आप जानते हैं किसी भी ऑप एम्प का आउटपुट या किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट अपने सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां बनने वाला आउटपुट वोल्टेज लीनियरली बढ़ सकता है इनपुट के रिस्पेक्ट में, लेकिन अपने सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा की वैल्यू कोई अटेन नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर सकते होते तो स्टूडेंट्स ये डिवाइस, अगर हमारे पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता जिसके थ्रू हम 1 वोल्ट को लगाकर 10 टू की पावर 6 वोल्ट अचीव कर सकते होते, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जितना भी हम पावर एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशंस पर, तो ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जो एम्पलीफिकेशन करते हो वो बायसिंग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई यहां पर आउटपुट ऑफ ऑप एम्प कैन नेवर एक्सीड मोर देन इट्स बायसिंग वोल्टेज। ये मैंने बात आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, राइट। अब मैं स्टूडेंट्स कुछ अलग अलग इनपुट के डिफरेंशियल वोल्टेज को लेकर एक टेबल बनाने जा रहा हूं। जैसे लास्ट क्लास में वोल्टेज एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने 3 केस लिए थे, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। तो मैं फिर से वापस केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड लूंगा, जिससे प्रूफ होगा कि क्या ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में डिसएडवांटेज आ रहा है और क्यों निगेटिव फीडबैक सिस्टम की जरूरत आई, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए पहले केस को मैं बना रहा हूं और आप 5 से 10 मिनट पेशेंसफुली इन बातों को पहले समझेंगे। देखिए, मान लेता हूं ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, मैंने मान लिया ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इस पर ओपन लूप गेन का मान 10^4 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी आई डी की वैल्यू आपने पहले एज्यूम कर ली अपनी तरफ से। VID का मतलब क्या है? V प्लस और V माइनस का अंतर। मैंने यहां एज्यूम किया VID का मान 1 मिली वोल्ट, राइट। अगर VID 1 मिली वोल्ट है तो आप जानते हैं आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है AOL, AOL इंटू VID। ओपन लूप गेन की वैल्यू है स्टूडेंट्स 10^4 और VID मैंने कितना लिया है 1 मिली वोल्ट। नाउ सी 8 मिली वोल्ट, मिली और 10^3 आपस में कट जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 10 वोल्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला अगर मैं बोलूं VID बराबर, मैंने इस बार ऋणात्मक की एक वैल्यू ले ली -1 मिली वोल्ट, इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप V0 बराबर AOL इंटू VID फिर से फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करिए और आप देखिए AOL का मान 10^4 है, VID की वैल्यू -1 मिली वोल्ट है, इसका मतलब माइनस बाहर आएगा और 10^3 से 10^-3 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -10 वोल्ट। इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं VID की बात करूं, मैंने मान लिया VID की वैल्यू 1.5 मिली वोल्ट है। अब देखिए, अगर VID 1.5 मिली वोल्ट है तो V0 का मान AOL इंटू VID है। AOL की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स अपने पास 10^4, VID की वैल्यू कितनी है 1.5 मिली वोल्ट। 1.5 मिली वोल्ट का अगर 10^4 में गुणा करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 वोल्ट। आउटपुट 15 तक भी जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब स्टूडेंट्स जब मैं ये डाटा चेंज करूंगा, चलो एक बार पहले इसका ऋणात्मक में भी मान मान लेते हैं। मैंने फिर से अज्यूम कर लिया VID का मान -1.5 मिली वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज के फॉर्मूले पर AOL इंटू VID मैंने पुट किया। AOL फिर से 10^4 और VID का मान मैंने इस बार ऋणात्मक का -1.5 मिली वोल्ट माना है।
अब जब मैं स्टूडेंट इसका गुणा करूंगा तो ये वैल्यू माइनस की 15 वोल्ट आएगी। अब जो माइनस का 15 आया है, आप फिर से देखो क्या इस ऑप एम्प पर निगेटिव की अधिकतम सप्लाई वोल्टेज माइनस 15 है, तो यस आउटपुट मैं यहां तक भी देख सकता हूं, अब ये सैचुरेशन पर चला गया, राइट। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं कि अब वीआईडी का मान आप बढ़ाकर मान लो 2 वोल्ट की बात कर रहे हैं कि इस बार आपने वैल्यू 2 मिलीवोल्ट रख ली। अगर आपने 2 मिलीवोल्ट रखा तो देखो प्रॉब्लम क्या आई, वी नॉट बराबर एओएल इंटू वीआईडी, राइट। एओएल का मान 10^4 है और यहां वैल्यू 2 मिलीवोल्ट है। अगर मैं स्टूडेंट्स इन दोनों का गुणनफल करूं तो आना चाहिए 20 वोल्ट। लेकिन क्या इस एम्पलीफायर का आउटपुट पॉजिटिव में प्लस 15 वोल्ट से ज्यादा आ सकता है? इट कांट बी पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये प्लस 20 वोल्ट रॉन्ग आंसर है, ऑप एम्प सैचुरेशन में जा चुका है और ऑप एम्प धनात्मक में प्लस 15 वोल्ट की वैल्यू पर ही सैचुरेट रहेगा, तो इसका आंसर होगा प्लस 15 वोल्ट। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने ऋणात्मक पर वीआईडी का मान माना है माइनस का 2 मिलीवोल्ट और अब मैं लिख रहा हूं वी नॉट की वैल्यू एओएल इंटू वीआईडी, एओएल की जो वैल्यू है दैट इज 10^4, वीआईडी का मान माइनस का 2 मिलीवोल्ट है, तो क्या ये वैल्यू माइनस की वजह से यहां माइनस 2 × 10 का मतलब 20 मिली और 10^3 कैंसिल। फिर से सोचो क्या आउटपुट माइनस 15 वोल्ट से निगेटिव में ज्यादा आ सकता है? तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब माइनस 20 वोल्ट भी स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? गलत होगा। ऑप एम्प कहां सैचुरेट कर चुका होगा? माइनस का 15 वोल्ट, दैट इज द पॉइंट। ये आपको बातें पता है, राइट। तो मैं अगर केस फर्स्ट की बात करूं तो केस फर्स्ट पर मेरे पास जो एनालिसिस निकल कर आ रही है उसको अब समझना, और केस सेकंड केस थर्ड की एनालिसिस, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है स्टूडेंट्स, ये मैं वापस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इस डाटा को अब लिखूंगा, राइट। लेकिन ये सोचो आउटपुट पर जब तक इनपुट का डिफरेंस वोल्टेज 1.5 तक था अप टू दिस, तब तक तो ये लीनियरली बढ़ रहा था, लेकिन 15 वोल्ट से वैल्यू ज्यादा आ नहीं सकती, तो इसका मतलब 1.5 की जगह मैंने अगर 1.6 रखा होता, 1.6 रखा होता, तो क्या 16 वोल्ट आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। मैंने 1.7 रखा होता तो क्या आंसर आ सकता है 17 वोल्ट? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आउटपुट कहां सैचुरेट कर गया होगा स्टूडेंट्स? 15 वोल्ट पर। यह कुछ ऐसा ही है, यह कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास कोई एक ऐसा इनपुट है जिस पर लीनियरली आउटपुट बढ़ तो रहा है, लेकिन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद अब आउटपुट कितना भी हम इनपुट की वैल्यू इंक्रीज करें, आउटपुट सैचुरेट हो गया कांस्टेंट वैल्यू पर, और वो सैचुरेशन वाली वैल्यू कितनी है आउटपुट पर? 15 वोल्ट, राइट। निगेटिव पर वो वैल्यू कितनी है? -15 वोल्ट, राइट। तो मैं स्टूडेंट्स अब दोनों डाटा को लेकर कंपेरिजन दिखाऊंगा, केस फर्स्ट केस सेकंड और केस थर्ड पर। देखिए जरा, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, राइट, केस फर्स्ट, तो देखें आप सभी, आपको थोड़ा पेशेंसफुली स्टूडेंट्स ये वाला डाटा समझना होगा, क्योंकि इट विल गिव ए प्रॉपर कंपेरिजन बिटवीन निगेटिव फीडबैक एंड ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, यही आपको एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन देगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ऑप एम्प पर 3 अलग अलग केसेस के साथ ये टेबल तो मैंने बना ली, ये आपको अभी समझाने के लिए बनाई थी। अब मैं स्टूडेंट्स इस टेबल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूं अलग अलग गेन के साथ, राइट। पहला गेन मैंने मान लिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर ए बराबर 10^4, दूसरा गेन आपने मान लिया ए बराबर 10³, और तीसरे केस पर आपने गेन मान लिया ए बराबर 10²। तो आप देखो तीनों पर क्या फर्क देखते हो, राइट, तीनों से आपको क्या एडवांटेज समझ में आता है, यह बात अब आपको नोटिस करनी है। देखिए अगर मैं बोलूं केस फर्स्ट, सभी केवल और केवल बोर्ड पर वाच करें स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट पर ए का मान 10^4 हमने 4 मान लिया, राइट। ठीक बात
मैंने केस सेकंड एज्यूम किया ए की वैल्यू 10 क्यूब, इसके ठीक बाद अब मैं बात कर रहा हूं केस थर्ड की, और केस थर्ड पर हमने एज्यूम किया ए का मान 10 स्क्वायर, राइट। पहले वाले डाटा पर मैं स्टूडेंट वीआईडी की कुछ इनपुट वैल्यू ले रहा हूं, जिसकी हेल्प से मैं वी नॉट की वैल्यू यहां लिखूंगा। वी नॉट का फार्मूला है AOL इंटू वीआईडी, राइट। देखें वीआईडी पर मैं स्टूडेंट्स कुछ वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं, एक एक करके जरा समझना। पहले मैंने मान लिया कोई वैल्यू 1 मिली वोल्ट, फिर मैंने देखा 1.5 मिली वोल्ट, फिर मैंने बोला 2 मिली वोल्ट, निगेटिव पर माइनस 1 मिली वोल्ट, माइनस का 1.5 मिली वोल्ट और माइनस का 2 मिली वोल्ट, राइट। यहां तक हम लोग टेबल बना रहे हैं। आपने देखा अगर आप 1 मिली वोल्ट इनपुट पर ले रहे हो और 10 टू की पावर 4 गेन लिया है, तो अभी मैंने आपको प्रूफ किया था ये वैल्यू आ रही है 10 वोल्ट, ये वैल्यू आ रही है 15 वोल्ट, दो पर भी वैल्यू कहां सैचुरेट हो गई 15 पर, राइट। इसी तरह यहां सोचिए माइनस 1 मिली वोल्ट पर वैल्यू माइनस 10, माइनस 1.5 पर माइनस 15 वोल्ट और माइनस 2 मिली वोल्ट पर आना चाहिए था माइनस 20, लेकिन कहां फिक्स हो जाएगी सैचुरेशन पर माइनस 15 वोल्ट, राइट। अब देखो जरा अगर मैं किसी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक की बात करूं, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक का मतलब है आउटपुट और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज के बीच में करेक्टरिस्टिक, राइट। तो आउटपुट और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज के बीच में अगर मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूं वी नॉट और वी आई डी के बीच में, तो यहां वी नॉट और वी आई डी पर देखिए से दिस इज वी नॉट एंड दिस इज वी आई डी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो आप देखो यहां 1 मिली वोल्ट इनपुट पर है और आउटपुट सीधे क्या मिल रहा है 10 वोल्ट, इसका मतलब बहुत छोटे स्मॉल इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू हाई है। फिर 1.5 पर वैल्यू 15 पहुंच गई, तो 1.5 के लिए वैल्यू सीधे 15 पहुंच जाएगी, लेकिन इसके बाद कितनी भी वैल्यू बढ़ाऊं हमेशा ये कहां सेट हो जाएगा 15 पर। तो इसका मतलब है आपके पास ये जो करेक्टरिस्टिक आ रही है, बहुत ध्यान से समझना, ये जो करेक्टरिस्टिक आ रही है ये करेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होगी स्टूडेंट्स, बहुत स्मॉल वैल्यूज पर ये इंक्रीज कर रहा है और किसी पॉइंट पर ये फिक्स हो गया। जिस पॉइंट पर ये फिक्स हुआ अपन ने इसको मान लिया ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है पॉजिटिव का। इसी तरह अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव पर भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये माइनस वी सेट है, राइट। और माइनस 15 के बाद फिर से ये सैचुरेशन पर चला गया है। तो आप मुझे नोटिस करके बताओ क्या ये जो ग्राफ है इस ग्राफ पर अप टू दिस पोर्शन केवल और केवल अप टू दिस पोर्शन ही लीनियर है, ये रीजन लीनियर रीजन कहलाएगा, राइट। ये पूरा पोर्शन लीनियर है। एक बात और, इनपुट पर ये वाला जो पॉइंट है ये है 1.5 मिली वोल्ट और ये वाला जो पॉइंट है ऋणात्मक का माइनस 1.5 मिली वोल्ट, इसका मतलब है यहां जो स्टूडेंट्स वीआई की लीनियर रेंज है वो किन दो इनपुट्स तक के लिए है, माइनस 1.5 मिली वोल्ट से 1.5 मिली वोल्ट, यहां तक ही मेरे पास लीनियर रेंज बनेगी। ऐसे ही अगर मैं कंपेरिजन करूं, देखो स्टूडेंट्स थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आपको लगता है कि सर ये डाटा तो अभी हम देख चुके हैं, लेकिन बातों को थोड़ा सा एग्जीक्यूशन के लिए टाइम देना होगा। मैं जैसे ही गेन रिड्यूस करूं, आपने जो पहले देखा था मैंने कांस्टेंट गेन के लिए डिफरेंस दिखाया था पुराने लेक्चर्स में, अब मैं क्या कर रहा हूं इस बार गेन ए बराबर 10 टू की पावर 4 से घटाकर क्या कर रहा हूं 10 क्यूब। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो जरा, बातें सेम है, यहां फिर से वी आई डी और अब आउटपुट वोल्टेज के लिए AOL इंटू वी आई डी पर। देखो यहां क्या बना, माइनस 1 मिली वोल्ट और प्लस 1 मिली वोल्ट वाले पर अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार वैल्यू 1 की जगह यहां इनपुट वोल्टेज रेंज 10 मिली वोल्ट, यहां 15 मिली वोल्ट, यहां 20 मिली वोल्ट, ऐसे ही माइनस 10 मिली वोल्ट, ऐसे ही माइनस का 15 मिली वोल्ट और ऐसे ही माइनस का 20 मिली वोल्ट। अब जरा आउटपुट को चेक करें। अब जब आप चेक करते हो 20 मिली वोल्ट, 15 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, इतना अब आपको पता होना चाहिए। अगर 10 मिली वोल्ट का 10 टू की पावर 3 में गुणा हुआ तो आप जानते हैं 10 टू की पावर 3 और मिली कैंसिल हो जाएंगे और ये सीधे क्या आएगा 10, ऐसे ये क्या आएगा 15,
20 मिलीवोल्ट से आना चाहिए था प्लस 20, लेकिन 20 आ नहीं सकता, कहां रुक जाएगा? मैंने ऑप एम्प बनाया था, सप्लाई वोल्टेज प्लस 15 है, इसका मतलब कहां सैचुरेट हो चुका है ये? प्लस 15 वोल्ट। ऐसे ही माइनस 10 का मतलब माइनस 10 वोल्ट, माइनस 15 मिलीवोल्ट से कितना आएगा आउटपुट? माइनस का 15 वोल्ट। लेकिन क्या माइनस 20 से माइनस 15 वोल्ट आएगा या माइनस 20 वोल्ट? माइनस 20 वोल्ट नहीं आ सकता, क्या आएगा? माइनस 15, क्योंकि अब आउटपुट सैचुरेट कर गया होगा। तो स्टूडेंट इस बार अगर मैं ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो देखिए ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक का मतलब है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट के डिफरेंस वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं, राइट? तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज पर यहां जरा समझना अब आप कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहां V नॉट और VID के बीच में, से दिस इज V नॉट, दिस इज VID, जरा समझना। पिछले बार इन VID ये था, VID धनात्मक में 1.5 मिलीवोल्ट था, इस बार ये बढ़कर कहां तक चला गया? माइनस 15 मिलीवोल्ट से प्लस 15 मिलीवोल्ट। तो अगर ये वैल्यू प्लस 15 गई है तो देखो स्टूडेंट 10 मिलीवोल्ट पर 10 वोल्ट, तो 10 मिलीवोल्ट थोड़ा बढ़कर होगा और इस पर ये वैल्यू यहां कहीं होगी, ऐसे ही फिर 15 पर 15 और फिर 20 पर प्लस 15, इसका मतलब 15 मिलीवोल्ट के बाद वैल्यू सैचुरेशन में चली गई। तो इसका मतलब है ये वाला जो ग्राफ होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा और यहां पर ये जो हम ग्राफ अब बना रहे हैं थोड़ा सा इस तरफ ये टिल्ट करता हुआ होगा और ये जो ग्राफ है इस पर ये वाली वैल्यू है प्लस का वी सेट, राइट? इसी तरह निगेटिव पर भी अगर मैं वैल्यू को देखूं तो यहां ये वैल्यू है माइनस का वी सेट। और अगर मैं स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को लीनियर ऑपरेशन पर देखूं तो यहां ये जो लीनियर ऑपरेशन रेंज है पिछले बार से बढ़ गई। इस बार इनपुट की वोल्टेज रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, पिछले बार ये रेंज क्या थी? 1.5 मिलीवोल्ट से माइनस 1.5। इस बार देखो ये प्लस का 15, देखो इधर 15 मिलीवोल्ट तक और यहां हम जो बात कर रहे हैं माइनस 15 मिलीवोल्ट, इसका मतलब इस बार जो रेंज है क्या ये रेंज बढ़ गई? और लीनियर रीजन पर ऑपरेटिंग रेंज इनपुट के डिफरेंस वोल्टेज की इंक्रीज हुई, क्या घटाने से? हमने गेन को घटाया, पहले 10^4 था अब 10³ किया, गेन घटा तो स्टूडेंट लीनियर रेंज इंक्रीज हुई। अगला अगर मैं एग्जांपल देखूं तो देखिए इस बार मैं बात कर रहा हूं a = 10² और जब a = 10² है स्टूडेंट्स तो VID, और ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि मैं यहां मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखूं, या आप लिख सकते हो, मैंने एक आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता दिया था, बाकी मेरी कोशिश है मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिखूं, राइट? अब अगर मैं VID के साथ V0 = AOL × VID पर वैल्यू को एग्जीक्यूट करूं तो देखो जब मैंने गेन घटाया, इस बार गेन घटाकर क्या स्टूडेंट 10² तो आप जानते हैं 10 मिलीवोल्ट की जगह ये वैल्यू आ चुकी है 100 मिलीवोल्ट, फिर यहां 150 मिलीवोल्ट, फिर यहां 200 मिलीवोल्ट, ऐसे ही निगेटिव पर -100 मिलीवोल्ट, माइनस का 150 मिलीवोल्ट, माइनस का 200 मिलीवोल्ट, राइट? अब मैं अगर इन वैल्यूज के साथ आउटपुट को लिखूं तो देखो 100 मिलीवोल्ट के साथ 10² का जब गुणा होगा तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी 10 वोल्ट, ऐसे यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 15 वोल्ट, 200 में आना कितना चाहिए 20, लेकिन कहां रुक जाएगा ये 15, राइट? सैचुरेशन। इसी तरह -100 मिलीवोल्ट का जब 10² से गुणा करोगे तो 10² और 100 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरी बातें समझ रहे हैं क्या सभी, राइट? तो यहां से हमारे पास 10^4 और ये 10^-3 तो ये वैल्यू आ जाएगी -10 वोल्ट, ऐसे ही 150 मिलीवोल्ट यहां से 10 इस पर जाएगा और ये मिली के साथ कैंसिल होगा तो -15, इसी तरह -200 और मिली, -200 मिली 10² के साथ गुणा होगा तो ये वैल्यू आनी -20 चाहिए थी लेकिन कहां लिमिट कर जाएगी -15। तो आपके पास आउटपुट आप देख रहे हैं पहले वाले पर, दूसरे वाले पर, तीसरे वाले पर सेम आ रहा है, लेकिन इनपुट की रेंज पहले 1.5 से -1.5, यहां 15 और -15 के बीच में, और यहां -150 और +150, इसका मतलब है नोटिस करना स्टूडेंट्स, मैं फिर से अगर ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक पर अब जो डाटा बनकर आ रहा है, देखो आप इस बार V0 और VID के बीच में, V0
और वीआईडी के बीच में अगर मैं बात करूं तो यहां अब नोटिस करें 100 मिली वोल्ट के लिए आउटपुट की वैल्यू आ रही है 10 वोल्ट, ऐसे ही 150 के लिए 15, तो 100 मिली वोल्ट तो कहीं यहां होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ था लीनियरिज्म का ग्राफ, देखो स्टूडेंट्स ये ग्राफ यहां से ऐसा शिफ्ट हुआ, ये और कुछ ऐसा शिफ्ट होगा और ये रीजन कुछ ऐसा दिखाई देगा इस बार, ऐसे ही निगेटिव पर भी ये रीजन कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इसको हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पर प्लस वी सेट और निगेटिव वाले पर बोल सकते हैं माइनस का वी सेट, राइट। अब देखिए अगर मैं इसकी रीजन को दिखाऊं कि किस किस पॉइंट से हम लोग रेंज देख रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स इस बार इसके लीनियर रीजन की रेंज बढ़ गई और यहां पर ये जो लीनियर रीजन का रेंज है, ये जो वैल्यू है लीनियर रीजन की अप टू दिस है, इस बार ये रेंज ज्यादा है क्योंकि यहां जो वैल्यू होगी वो माइनस का 150 मिली वोल्ट और यहां पर जो वैल्यू है स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं प्लस का 150 मिली वोल्ट, राइट। और पिछले तीनों केसेस में, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड में, अब मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहां से बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, राइट। एक एक करके चीजों को आप समझना। आप देखो स्टूडेंट्स जब गेन अपने पास हाई था, ए बराबर कितना था 10^4, राइट, तो मेरे पास इनपुट की वोल्टेज रेंज क्या थी, माइनस का 1.5 मिली वोल्ट से 1.5। मैं बोल सकता हूं, चलो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख भी देता हूं, यहां पिछले बार वीआईडी पर जो रेंज थी वो क्या थी अपने पास, प्लस माइनस 1.5 मिली वोल्ट। अच्छा यहां वाले पर वीआईडी की रेंज क्या थी, अगर मैं बात करूं इस बार वीआईडी की रेंज थी 15, प्लस का 15 और माइनस का 15, तो प्लस माइनस 15 मिली वोल्ट। ऐसे यहां वीआईडी की रेंज क्या थी स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो वीआईडी की रेंज इन बिटवीन क्या थी हमारे पास, प्लस माइनस 150 मिली वोल्ट। ये समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया है, राइट। तो ये जो डाटा हम लिख रहे हैं इसका मतलब इन दोनों के मिड पर लीनियर रेंज बहुत कम थी, यहां लीनियर रेंज थोड़ा बढ़ गई और यहां और ज्यादा बढ़ गई। तो आप बताओ स्टूडेंट्स एज वी आर देखो यहां ए बराबर 10^4 गेन घट गया, गेन और ज्यादा घट गया। तो स्टूडेंट्स देखो पहले वीआईडी की रेंज ध्यान से देखो, सभी बोर्ड पर 1.5 मिली वोल्ट बहुत छोटी रेंज थी, इसका मतलब ये वैल्यू अभी कम है। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही आपने गेन को घटाया ये रेंज बढ़ गई, आपने गेन को और घटाया ये रेंज और ज्यादा बढ़ गई। तो बताओ इनपुट की रेंज बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना वर्ड, इनपुट के डिफरेंस की लीनियर रीजन बढ़ाने की रेंज, जो लीनियर रीजन में जहां ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर रेंज बढ़ाने के लिए, कि ये लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है, क्या हमें गेन रिड्यूस चाहिए। हमने स्टूडेंट अभी तक जो बातें की हाई गेन पर, इसका मतलब इस पर वेरी लो रेंज, इस पर थोड़ी और रेंज बढ़ गई, इस पर और ज्यादा रेंज बढ़ गई। तो क्या अगर हमें इसको लीनियर रेंज में काम कराना है स्टूडेंट्स, तो गेन घटाना होगा। पहला पॉइंट हम देख रहे थे स्टूडेंट, देखो प्रॉब्लम क्या थी, आपने देखा था, मैं इस एप्लीकेशन को फिर से एक बार बता रहा हूं, आपने देखा था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ऑप एम्प के साथ। अगर मैं बात करूं, आप आइडियल ऑप एम्प पर बात कर रहे थे, ये वी नॉट है एंड दिस इज वी आई डी, समझेंगे आप सभी, ये वी नॉट, ये वी आई डी है स्टूडेंट्स। और यहां अगर मैं बात करूं आइडियल ऑप एम्प की, तो आपने देखा था आइडियल ऑप एम्प का मतलब क्या था स्टूडेंट, गेन इन्फानाइट, गेन इन्फानाइट का मतलब कुछ भी इन्फानाइट से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा। और अगर दो इनपुट का डिफरेंस बहुत हाई वैल्यू है, दो इनपुट का डिफरेंस पॉजिटिव पर बना, तो इन्फानाइट से गुणा होकर बहुत हाई वैल्यू बनेगा, इसका मतलब ये हमेशा कहां जाएगा, प्लस वी सेट, या फिर ये कहां जाएगा, माइनस वी सेट। तो आपने देखा था स्टूडेंट्स प्लस वी सेट का मतलब था अगर वी प्लस का मान, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, V प्लस बड़ा था V माइनस से, तो हमेशा ऑप एम्प प्लस V सेट पर जा रहा था, और अगर ये माइनस V सेट है इसका मतलब है इस बार V प्लस का मान छोटा है किससे, V माइनस से। तो ये दो कंडीशंस थी, और ये कंडीशन
ऑपेम को किस तरह से वर्क करा रही थी। ऑपेम की ये जो आइडियल ऑपेम की जो करेक्टरिस्टिक है ये तब थी जब ये वाली लाइन ए बराबर क्या था अपने पास इनफाइनाइट। ए बराबर इनफाइनाइट का मतलब है आइडियल कंडीशन है ये अपनी एक्सट्रीम कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन पर ऑपेम ऑपेम क्या कर रहा है स्टूडेंट देखो जरा ये जो ऑपेम था अगर ए की वैल्यू में इनफाइनाइट की बात करूं देखिए आप ध्यान से ये वी नॉट है ये प्लस वीसीसी है ये माइनस वीसीसी है यहां माइनस यहां प्लस से दिस इज वी माइनस दिस इज वी प्लस और इन दोनों का डिफरेंस वी आई डी है। तो सोचो स्टूडेंट्स आपने इनपुट का डिफरेंस बहुत छोटा अप्लाई किया लेकिन ये इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होकर सीधे कहां पहुंच रहा है प्लस वी सेट। आपने इनपुट का डिफरेंस बहुत लो वैल्यू पर निगेटिव बनाया अगर ये निगेटिव बना तो ये सीधे कहां जा रहा है माइनस वी सेट। इसका मतलब ये तो एक कंपैरेटर हो गया जो दो सिग्नल्स में कंपैरिजन कर रहा है अगर v प्लस बड़ा है v माइनस से तो आउटपुट कहां जा रहा है प्लस v सेट और अगर v माइनस बड़ा है v प्लस से तो आउटपुट कहां जा रहा है माइनस v सेट। तो ये तो केवल दो ही आउटपुट दे सकता है आइदर प्लस v सेट आइदर माइनस v सेट। स्टूडेंट इसका मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है क्या ये आउटपुट लीनियर रीजन पर है ये केवल और केवल सैचुरेशन बता रहा है स्टूडेंट्स। तो हमें अगर इस पर इस लाइन पर लीनियर रीजन बनाना है लीनियर रीजन का मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी एप्लीकेशन ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इतना इनपुट दिया तो आउटपुट कितना आएगा मैंने इतना इनपुट दिया तो आउटपुट कितना आएगा अगर मैं रेशियो में प्रोपोर्शन पर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि स्टेबल सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन आप सोचो अगर मैं कह रहा हूं कोई बहुत स्मॉल वैल्यू पर भी सीधा आउटपुट कहां जा रहा है प्लस वी सेट बहुत स्मॉल वैल्यू पर निगेटिव यहां वी आई डी की वैल्यू माइनस है तो सीधे आउटपुट कहां जा रहा है माइनस वी सेट तो सिस्टम तो अनस्टेबल की तरफ चला गया और हमें कैसा सिस्टम चाहिए स्टेबल। तो अगर स्टेबल सिस्टम चाहिए तो स्टूडेंट मैं चाहता हूं मैंने अगर 1 मिलीवोल्ट लगाया और मुझे आउटपुट में 1 वोल्ट चाहिए मैंने 2 मिलीवोल्ट लगाया मुझे आउटपुट पर 2 वोल्ट चाहिए मैंने 3 मिलीवोल्ट लगाया मुझे आउटपुट पर 3 वोल्ट चाहिए तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। ये लीनियर रिलेशनशिप यहां तो दिख रही है जब जब ए का मान ध्यान से देखना बोर्ड पर ए का मान है 10^4 ए का मान है 10^3 ए का मान है 10^2 इसका मतलब ये लीनियर रेंज कब कब बढ़ेगी जितना मैं गेन को घटाता जाऊंगा और गेन घटा कब सकते हैं स्टूडेंट्स गेन घटाने के लिए पूरे सिस्टम का गेन घटाने का मतलब है ओवरऑल क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन चाहना तो पहले तो फीडबैक की जरूरत है और फीडबैक लगाकर भी गेन कब घटा सकते हैं जब स्टूडेंट्स हम निगेटिव फीडबैक लगाएं। सो दैट्स वाई निगेटिव फीडबैक लगाने से सिस्टम पर स्टेबिलिटी आएगी प्लस हम मोस्ट वर्सेटाइल एप्लीकेशन जैसा मैंने आपसे बोला था ऑपम एज ए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लॉग एंटी लॉग अवकलन समाकलन ये सारे टर्म कंप्लीट करेगा। तो अब हमारी जो जरूरत है सिस्टम को स्टेबल बनाना है हमें गेन को घटाना है ताकि स्टूडेंट्स मैं इनपुट वोल्टेज की रेंज बढ़ा सकूं। पहले इनपुट वोल्टेज रेंज लगाई कितना पा रहे थे कुछ माइक्रोवोल्ट के सिग्नल मिलीवोल्ट के सिग्नल तो अगर मुझे इनकी रेंज बढ़ानी है स्टूडेंट्स तो मुझे कैसा सिस्टम बनाना है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो स्टूडेंट्स मार्केट में अब जो सिस्टम आया निगेटिव फीडबैक पहले उसकी जरूरत समझे मैं गेन घटाऊंगा तभी स्टूडेंट्स मेरे पास इनपुट पर वीआईडी की रेंज बढ़ा सकता हूं। देखो पहले वाले पर वीआईडी की रेंज प्लस माइनस 1.5 मिलीवोल्ट इस पर माइनस 15 मिलीवोल्ट से प्लस 15 मिलीवोल्ट इस पर माइनस 150 से प्लस 150 तो जितना गेन कम होगा उतनी हमारे पास इनपुट वोल्टेज की रेंज बढ़ जाएगी लीनियर रीजन पे। तो लीनियर रीजन में ऑपरेट कराने के लिए गेन को घटाना होगा जिसके लिए जरूरत पड़ी मार्केट में निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आपसे कभी भी कहा जाए निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज मोर स्टेबल हमेशा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा है कौन सा निगेटिव फीडबैक सिस्टम। आगे मैं आपसे पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक दोनों में कंपैरिजन की बात भी करूंगा लेकिन एक एक करके स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो आपको केवल ऑपम एज ए कंपैरेटर अभी ओपन लूप ही पढ़ाया था अब मैं गया हूं निगेटिव फीडबैक पर तो पहले निगेटिव फीडबैक की एप्लीकेशन हम खत्म करेंगे और फिर जाएंगे किस पर पॉजिटिव फीडबैक पर। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स जिनकी अभी क्लासेस मिस भी हो वो एक बार क्लासेस को रिपीट कर ले और दूसरा जो आज की क्लास है आज जो मैं वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा
वर्चुअल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को जो आज आप पढ़ोगे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कर सकते हो, राइट? आज के कॉन्सेप्ट्स के बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। बस यही तक का थोड़ा पार्ट कॉन्सेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग करना होता है, क्योंकि इन चीजों से ही हमें आगे की चीजों के बारे में लेआउट जानकारी मिलती है, राइट? तो मैं, मेरा स्टूडेंट जो टॉपिक है निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, आप हेडिंग डालें निगेटिव फीडबैक, हेडिंग डालिए निगेटिव फीडबैक। अब देखिए, अगर मैं निगेटिव फीडबैक को लगाऊं, पहले यह तो समझ में आ गया कि निगेटिव फीडबैक को लगाएंगे तो एडवांटेज क्या मिलेगा। अच्छा, माइंड में यह भी जब आता है कभी, हाँ एक चीज और सुनो, नंबर ऑफ टाइम्स की सर फिर कंपैरेटर का यूज, तो कंपैरेटर का यूज सॉलिड स्टेट रिले है, या कंपैरेटर का यूज मेजरमेंट में हम लोग डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर में यूज करते हैं, लेकिन लिमिटेड वर्जन है, इसका कुछ ही जगह यूज कर पा रहे हैं। तो अब आगे जो मोस्ट वर्सेटाइल इंडस्ट्री है, पूरा कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट निगेटिव फीडबैक पर चलता है स्टूडेंट। पूरी ऑटोमेटिक कंट्रोल इंडस्ट्री किस पर चलती है? निगेटिव फीडबैक पर। तो इस एप्लीकेशन पर हम जा रहे हैं, आगे पॉजिटिव फीडबैक पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम ऑक्सीलेटर की डिजाइनिंग करते हैं, वो स्टूडेंट्स इसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं निगेटिव फीडबैक, और आज आप जानेंगे निगेटिव फीडबैक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। पहले स्टूडेंट्स जो मैं मेथड बता रहा हूं ये एग्जैक्ट मेथड है, फिर से पेशेंस रखने वाली बात है, 5 मिनट फिर आपको पेशेंस रखना होगा, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट मेथड हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले रहा हूं निगेटिव फीडबैक के साथ, राइट? चलिए स्टार्ट करते समय पहले स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पुरानी रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बोला था, अगर आप याद करें, ऑप एम्प एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, और वोल्टेज एम्पलीफायर में कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी। अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की, केवल वहां पर 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस की थी, राइट? तो उन तीनों प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से आप यहां देख लें, सो दैट निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन पर आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाए, राइट? तो तीनों प्रॉपर्टीज का क्या मतलब था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ये बात। आपने लास्ट क्लास में जो वर्जन देखा था, मैंने वोल्टेज एम्पलीफायर में 3 प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट की थी। इसमें पहली प्रॉपर्टी थी इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैं अब बात कर रहा हूं आइडियल की, ठीक है? तो दोनों कंडीशंस को जरा समझें। एक एम्पलीफायर के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सभी केवल और केवल बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, अभी पहले फर्स्ट बोर्ड पर इनपुट रेजिस्टेंस आर आई है, राइट? और इनपुट रेजिस्टेंस के साथ हमने बोला था यहां स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट पर जो एम्पलीफायर पर वोल्टेज जाएगा, से दिस इज प्लस माइनस वी आई, राइट? कोई भी, और यहां जो आप अपनी तरफ से एग्जीक्यूट करते हो दैट इज कॉल्ड सोर्स रेजिस्टेंस, दैट इज आर एस, राइट? यहां सोर्स सिग्नल के लिए वी ऑफ एस, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। इसके साथ आउटपुट में आपने देखा था, आउटपुट पर आपने देखा था, मैंने इसका नॉमनक्लेचर भी आपको बताया था, आउटपुट वोल्टेज, देखिए स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखा, V नॉट बराबर AOL इंटू VID है। तो आउटपुट वोल्टेज को दिखाने के लिए आउटपुट वोल्टेज डिपेंड किस पर कर रहा है? इनपुट के डिफरेंस वोल्टेज पर। तो इनपुट पोर्ट की वैल्यू अगर आउटपुट पोर्ट पर दिखानी है तो किससे दिखाएंगे? डिपेंडेंट सोर्स। तो यहां पर थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल से हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एग्जीक्यूट करेंगे, और यह जो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आएगा, इस इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस, कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स? AOL इंटू VID। तो ये जो वैल्यू है अपने पास AOL इंटू VID है। अब इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स का अपना एक सीरीज रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के इक्विवेलेंट मॉडल पर रेजिस्टेंस RTH किसमें दिखाएंगे? सीरीज पर। मैंने इसको मान लिया था आउटपुट रेजिस्टेंस, और यहां स्टूडेंट्स हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हम लोग कुछ देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंस RL के साथ, ऐसा मैंने कुछ मॉडल आपको बताया था, राइट? चलिए, ये जो अपने पास मॉडल था इसको अगर मैं अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिप्लेस करूं, जरा समझना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही एक वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं यहां आपसे बोलूं स्टूडेंट्स, जो बातें मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना, मैंने बोला, मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूं, समझना, मैंने आपसे बोला कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है स्टूडेंट्स।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर ये कुछ मेरे पास डायग्राम बना, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसको हम लोग ऊपर सप्लाई वोल्टेज प्लस वीसीसी लिखते हैं, नीचे माइनस वीसीसी लिखते हैं, ये समझाने के लिए ऐसा बना दिया। अब बताओ इस मॉडल सर्किट पर अगर मैं बोलूं स्टूडेंट मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट कब मिल सकते हैं आइडियल कंडीशन पर? वोल्टेज एम्पलीफायर की पहली प्रॉपर्टी क्या थी याद करो, वोल्टेज एम्पलीफायर की पहली प्रॉपर्टी का मतलब था, वोल्टेज एम्पलीफायर की पहली प्रॉपर्टी का मतलब था ये मैंने क्या बनाया स्टूडेंट्स, ऑपएम का इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। ये ऑपएम का इक्विवेलेंट सर्किट है, ऑपएम का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। अब इक्विवेलेंट सर्किट पर अगर मैं आपसे बोलूं वोल्टेज एम्पलीफायर पर इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई चाहिए, हाँ एक्सट्रीम मोस्ट कंडीशन, वेरी हाई का मतलब इनफाइनाइट, ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो चाहिए, इसका मतलब जीरो। और अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स वोल्टेज गेन तो फिर से वेरी हाई चाहिए, और इस वेरी हाई का मतलब आप जानते हो इनफाइनाइट होना, राइट। तो अगर मैं बात करूं अब आइडियल कंडीशन की, ये तो प्रैक्टिकल कंडीशन है, और आइडियल कंडीशन पर इनफाइनाइट, जीरो और इनफाइनाइट, ठीक है वैल्यू पुट करते हैं एक बार, आप एक एक करके जरा समझना। मैंने अगर बोला है आपसे, अभी मैं केवल दो बातों को नोटिस में ला रहा हूं, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, राइट। वोल्टेज गेन को अभी आगे हम लोग यूज करेंगे। तो अगर मैं बोलूं पहली प्रॉपर्टी से कि इनपुट रेजिस्टेंस अनंत है, अगर स्टूडेंट इनपुट रेजिस्टेंस अनंत है तो आप खुद सोचो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब है ये वाली ब्रांच ओपन जैसा बिहेव करना, और अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो क्या कोई करंट फ्लो करेगी स्टूडेंट्स? इसका मतलब ओपन के इनसाइड कोई भी करंट नहीं जाएगी, और अगर कोई करंट नहीं जाएगी तो क्या यहां कोई ड्रॉप होगा? आइडियल कंडीशन है ये, सी दिस कंडीशन इज आइडियल, तो कोई भी इनपुट करंट यहां नहीं बनेगी। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब ब्रांच बिकम्स ओपन, तो ओपन के इंटरनल टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं होते, ये कैसे हैं ओपन, और अगर ओपन है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब इनपुट करंट की वैल्यू कितनी है? जीरो, और जीरो इनटू प्रतिरोध जीरो, तो बताओ क्या पूरा सोर्स वोल्टेज इनपुट पर नहीं चला जाएगा? तो स्टूडेंट ये आइडियल कंडीशन है, हम क्या चाहते हैं फर्स्ट कंडीशन वीएस बराबर वीआई मिले। तो याद रखना ओपन के अंदर, आइडियल ओपन के इनसाइड कोई भी करंट नहीं जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस ओपन पर हम क्या मान रहे हैं स्टूडेंट्स? अनंत। आइडियल ओपन का इनपुट रेजिस्टेंस अनंत होने का मतलब आइडियल ओपन ड्रॉज जीरो इनपुट करंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हर क्वेश्चन में ये यूज होगा। आइडियल ओपन, आदर्श ओपन, आइडियल ओपन ड्रॉज DRAWS ड्रॉज जीरो इनपुट करंट, कोई भी इनपुट करंट ये नहीं लेगा, ड्रॉज जीरो इनपुट करंट। इससे क्या फायदा हुआ, ये बात सभी को समझ में आ रही है? प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट्स, जो हम सोर्स लगाते थे वो पूरा यहां नहीं जाता था, कुछ ड्रॉप यहां हो जाता था, जब करंट ही जीरो कर दी हमने, करंट जीरो कैसे की? क्योंकि एम्पलीफायर हमारे हाथ में है, तो हमने स्टूडेंट आरआई एम्पलीफायर ऐसा डिजाइन किया जिसका इनपुट रेजिस्टेंस अनंत, एक्सट्रीम कंडीशन, तो ब्रांच ओपन जैसी हो गई, और ब्रांच ओपन हो गई तो स्टूडेंट्स यहां कोई धारा नहीं बनेगी और यहां बनने वाला ड्रॉप जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा वीएस यहां पहुंच जाएगा, राइट। यही तो हम चाहते हैं बेस्ट कंडीशन। आउटपुट पर जरा चेक करो, आउटपुट पर सोचो, अरे ये ग्राउंड है, एक ही पॉइंट मान लो, यस। अब देखो अगर मैं स्टूडेंट्स यहां देखूं कि ये वी नॉट क्या है, तो वी नॉट आरएल पर है, आरएल पर बनने वाला वोल्टेज, ये जो आरएल पर बनने वाला वोल्टेज है, सोचो आप अगर ये वी नॉट आरएल पर बनने वाला वोल्टेज है तो ये जो आर नॉट है, इस आर नॉट का मान जितना कम हो उतना अच्छा है। आइडियल कंडीशन में आपसे क्या बोला गया, आर नॉट का मान क्या रख रहे हैं हम, जीरो। आर नॉट का मान अगर हम जीरो रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, जीरो, तो सोचो स्टूडेंट्स अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो क्या ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो स्टूडेंट्स यहां मैं आरएल का मान कुछ भी रखूं, आरएल का मान कुछ भी रखूं, बहुत नोटिस करके समझना, आरएल का मान मैं कुछ भी रखूं पूरा वोल्टेज यहीं जाएगा। तो इसका मतलब आर नॉट को जीरो बनाने का क्या फायदा होता है, आरएल की वैल्यू हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, आरएल के हिसाब से करंट बनेगी, लेकिन कोई भी वैल्यू करंट की बने, I इंटू आर एल का प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस वोल्टेज। तो यहां से अगर मैंने स्टूडेंट्स
आप इस बात को भी समझ रहे होंगे कि अगर आर नॉट पर, देखो इधर मैं पूछूं कि यहां आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगा, तो आप याद करिए मैंने विभव विभाजक प्रमेय आपको पढ़ाई थी, ये वाला वोल्टेज किसके बराबर था, टोटल वोल्टेज AOL इंटू VID, ये एज ए वोल्टेज सोर्स है, इंटू किसका प्रोडक्ट RL का, डिवाइड बाई दोनों प्रतिरोधों का जोड़, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो आप खुद बताओ स्टूडेंट्स, जब मैंने आर नॉट जीरो रख दिया तो जीरो रखने का मतलब RL अपॉन RL हो जाएगा, RL RL कट गए, तो क्या सीधे V नॉट बराबर AOL इंटू VID नहीं आ जाएगा, और इसी कंडीशन की तो हम बात कर रहे थे। तो दो मस्ट कंडीशन क्या है आगे से याद रखना, आदर्श ऑपएम्प के अंदर कोई धारा नहीं जाती है, और हमेशा जो भी आउटपुट वोल्टेज बनेगा उसमें आर नॉट का कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि आर नॉट की वैल्यू हम क्या मान चुके हैं, जीरो। इसका मतलब वी नॉट सीधे किसके इक्वल होगा, AOL इंटू VID, राइट। तीसरी कंडीशन को अब मैं यूज करूंगा जब मैं स्टूडेंट्स आपको एम्पलीफायर वर्जन पढ़ाऊंगा, राइट। अभी मैंने केवल दो कंडीशन ली है, क्या क्या, इनपुट रेजिस्टेंस अनंत, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। तीसरी कंडीशन को अब मैं रखूंगा, राइट। इसके लिए थोड़ा सा अभी पेशेंस और रखने की जरूरत है, राइट। तो मैं स्टूडेंट्स अब निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर स्टार्ट करूंगा। फिर से मैं ये बात रिपीट कर दूं, कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, और इसके अंदर तीन क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस एज हाई एज पॉसिबल, आउटपुट रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल, वोल्टेज गेन एज हाई एज पॉसिबल। एक्सट्रीम कंडीशन क्या है आइडियल की, इनपुट रेजिस्टेंस अनंत, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, वोल्टेज गेन अनंत। तो मैंने अभी इन दो कंडीशंस को यहां पुट किया है, और यह घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये सिंबल कैसे बना दिया, ये तो स्टूडेंट्स वही है ऑप एम्प ही तो एम्पलीफायर है, उसके अंदर ही तो ये ब्लैक कलर वाला वर्जन यूज होता है, बाकी तो बाहर सोर्स और लोड, ये तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर कैसा लाउड स्पीकर की रिक्वायरमेंट बना रहा है, राइट। आप समझते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कितनी वैल्यू का सोर्स वोल्टेज वो लेना चाहता है, तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हमारा मोटो क्या है डिजाइनर का, सिलेक्शन ऑफ गुड एम्पलीफायर, तो हम ऐसा एम्पलीफायर सिलेक्ट करेंगे जिसका इनपुट रेजिस्टेंस सबसे अच्छा हो और आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे लो वैल्यू का हो, राइट। और सबसे ज्यादा वैल्यू का इनपुट रेजिस्टेंस और सबसे कम वैल्यू का लो आउटपुट रेजिस्टेंस रखना ही हमारी प्राथमिकता होगी, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, निगेटिव फीडबैक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है ये दो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस अनंत, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है। अब देखिए फीडबैक का मतलब हम क्या समझते हैं, जरा नोटिस करें इस पर। जब भी मैं आपसे फीडबैक की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन पर यह बात आप सोचने वाली है कि जब भी मैं फीडबैक की बात करता हूं तो फीडबैक का मतलब है आउटपुट का सम पोर्शन इनपुट पर वापस फीडबैक करना, राइट। और अगर मैं इसको वापस फीडबैक करूंगा तो इसका क्या तरीका होगा, इसको बहुत प्रॉपर वे में जरा समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने अभी कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए बहुत बेसिक पॉइंट से आप चीजों को समझना, ठीक है। और एक चीज, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मैक्सिमम यूज कंट्रोल सिस्टम में होता है, लेकिन अभी एनालॉग के रिस्पेक्ट में हमें हर चीज को सीखना है, और एनालॉग के रिस्पेक्ट में जब हम ये सारी बातें सीख जाएंगे स्टूडेंट्स, तो बिलीव मी आपको ट्रांजिस्टर, FET, MOSFET, इन पर जब हम बायसिंग टेक्निक्स और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से यहां वाला पोर्शन अप टू मल्टीवाइब्रेटर ऑक्सीलेटर तक जो चीजें हम पढ़ेंगे, उसके बाद BJT, FET, MOSFET में इसका मैक्सिमम यूज आपको मिलेगा। चलिए एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने लिया, ठीक है, और ये जो मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले रहा हूं, देखो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, सभी ध्यान से सुनना, इसमें दो टर्मिनल होंगे, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस टर्मिनल से कभी कंफ्यूज नहीं होना, हम ऊपर भी प्लस ले सकते हैं, नीचे भी माइनस ले सकते हैं, ऊपर भी माइनस ले सकते हैं, नीचे भी प्लस ले सकते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। जनरली निगेटिव फीडबैक मार्केट में ज्यादा यूज होता है, सो दैट्स वाई जब भी हम माइनस ऊपर दिखा रहे हैं, यहां प्लस दिखा रहे हैं, तो यहां आउटपुट से कुछ पोर्शन को यहां फीडबैक करने का मतलब दिस है, राइट। जैसे ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, आप जानते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, तो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब पहली क्लास को रिकॉल करो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर
आप पहली क्लास को रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था इनपुट किसमें देना, नॉन इन्वर्टिंग पर, और इन्वर्टिंग पर आउट इनपुट की वैल्यू अपसेंट रखना, राइट। तो यहां जब नॉन इन्वर्टिंग पर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने अपनी तरफ से कोई सोर्स सिग्नल यहां वी आई मान लिया, राइट, वी इनपुट, ठीक है। इसके बाद निगेटिव फीडबैक हमें अप्लाई करना है। तो पहले समझना फीडबैक को ले जाने का तरीका क्या होगा। ये जो वी नॉट है स्टूडेंट्स, ये जो वी नॉट है, आउटपुट का कुछ पोर्शन मुझे यहां ले जाना है। तो कुछ पोर्शन को सेलेक्ट करने के लिए जनरली हम लोग वोल्टेज डिवीजन सर्किट यूज करते हैं। वोल्टेज डिवीजन सर्किट का मतलब विभव विभाजक सर्किट, ठीक है। विभव विभाजक के लिए बहुत आसान पैरामीटर है, मैंने यहां पर दो प्रतिरोध सेलेक्ट किए, एक प्रतिरोध RF है जिसे फीडबैक प्रतिरोध कह रहे हैं, और एक प्रतिरोध की वैल्यू मैंने R1 सेलेक्ट कर ली। RF और R1 में ये पूरा विनॉड यहां तक है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका कुछ पोर्शन मतलब यहां तक का पोर्शन फीडबैक किया इस माइनस टर्मिनल पर, ठीक है। तो अगर मैं इस पोर्शन को यहां फीडबैक करूं तो ये मतलब है यहां वाला पॉइंट को मैं मर्ज करा दूंगा इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर मैं इसको इस पॉइंट पर ले जाऊं तो जरा आप नोटिस करना क्या बनेगा सर्किट। दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहां इन्वर्टिंग, यहां नॉन इन्वर्टिंग, यहां ये वी नॉट है। अच्छा, ये जो प्लस VCC माइनस VEE, ये एज इट इज है, जैसा पहले होता था, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने बोला एक प्रतिरोधी पूरा ले जाते स्टूडेंट्स, जैसे कई बार लगता है कि सर एक ही रेजिस्टेंस को ऐसे ही पीछे ले जाते। तो अगर मैं सेम को ले जाता स्टूडेंट्स, तब तो हम इसका कुछ फ्रैक्शन नहीं ले जाते ना। तो अगर मुझे उसका कुछ पोर्शन ले जाना है तो इसके लिए बेस्ट सर्किट क्या है, विभव विभाजक, जिसके लिए मैंने दो प्रतिरोध यहां पर सिलेक्ट कर लिए, एक RF और एक R1। अब मैंने क्या किया, ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखना, आप ऐसे समझो मैंने इस वायर को पकड़कर ऐसे उठाया और RF को यहां कनेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट RF वाला पॉइंट, ये वाला जो ब्लैक डॉट पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट को हमने उठाकर माइनस में कनेक्ट किया। तो इसका मतलब वी नॉट से हमने एक वायर उठाई जिस पर प्रतिरोध कितना लगा था, RF फीडबैक प्रतिरोध, और इस वायर को मैंने कहां कनेक्ट कर दिया, इन्वर्टिंग पर, ठीक है। और इसके बाद जब ये यहां कनेक्ट हो गया तो इसके साथ, इस पॉइंट के साथ एक R1 भी कनेक्ट था, तो R1 मैंने इस पॉइंट के साथ, ये वाला पॉइंट यहां कनेक्ट हो गया, इसके साथ एक प्रतिरोध R1 भी कनेक्ट था, और इस R1 के साथ क्या था, ग्राउंड, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये निगेटिव फीडबैक अप्लाई होगा, राइट। और पॉजिटिव टर्मिनल पर मैंने इनपुट वोल्टेज V(I) अप्लाई कर रखा था, राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक नॉन इन्वर्टिंग नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर बन गया। लेकिन इस सर्किट को डायरेक्ट ना बनाकर समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा फिगर लिया था, राइट। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट ये फिगर दिखाई देगा, मेरी बात क्लियर हो रही है। दूसरा, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा है, इसका गेन AOL है, ओपन लूप। लेकिन अब जब ये फीडबैक लग गया है स्टूडेंट्स, तो इस फीडबैक की वजह से अब इस पूरे का गेन A विद CL, CL का मतलब क्लोज लूप, मतलब अब फीडबैक लगने के बाद पूरे का आउटपुट अपॉन इनपुट ही क्या कहलाएगा, क्लोज लूप गेन। तो स्टूडेंट्स विदाउट फीडबैक को कहते हैं AOL, और फीडबैक के साथ कहते हैं क्लोज लूप गेन। तो ACL का मतलब है क्लोज्ड लूप गेन, और क्लोज्ड लूप गेन की वैल्यू अब जो हमें पता करनी है वो क्या है, V नॉट अपॉन VI, पूरे का आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय पूरे का इनपुट वोल्टेज। जबकि ये वाला जो AOL था, ये क्या था स्टूडेंट्स, V नॉट अपॉन इन दोनों टर्मिनल्स का डिफरेंस, दैट इज VID, राइट। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे AOL क्या था यहां, ओपन लूप गेन, तो ओपन लूप गेन का मतलब है बिना फीडबैक के, तो ओपन लूप गेन का मतलब है आउटपुट अपॉन ओपन के टर्मिनल पर बनने वाला इनपुट का डिफरेंस वोल्टेज। तो इसे बोलते हैं वी नॉट अपॉन VID, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब आज से जो गणना हम करने जा रहे हैं वो किस पर करने जा रहे हैं, फीडबैक के साथ। तो जो आज से हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, ACL, राइट। तो स्टूडेंट्स मेरी
रिक्वायरमेंट इस फिगर की है और इस फिगर से अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, राइट। तो इस फिगर से अगर मैं टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूं तो देखिए पहले वाले फिगर को मैं हटा देता हूं, इसका कोई अब यूज नहीं है। बस ये समझाना था फीडबैक का मतलब आउटपुट के कुछ पोर्शन को वापस इनपुट पर क्या करना, फीडबैक करना, और हम कौन सा फीडबैक यूज कर रहे हैं, निगेटिव। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, आउटपुट को इनवर्टिंग माइनस या निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो हम क्या करते, आरएफ के इस वाले पोर्शन पर V0 से ये जो RF कनेक्ट है इस पोर्शन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते, तब ये क्या फीडबैक कहलाता, पॉजिटिव फीडबैक। मान लो मैं पॉजिटिव फीडबैक लगाना चाह रहा था, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए फिर हम क्या करते, ये वाला जो पॉइंट था इसको ले जाकर कहां कनेक्ट कर देते, प्लस पर। तो ये कौन सा फीडबैक तब होता, पॉजिटिव। अभी जो फीडबैक की जरूरत है वो क्या है, निगेटिव। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कैसा फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो नाउ सी, अब जब हम लोग निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की बातें कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मेरी बनेंगी। सबसे फर्स्ट देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ऑप एम्प में, सबसे पहले दो रिक्वायरमेंट समझना स्टूडेंट्स। मैंने अभी क्या बोला, ऑप एम्प के अंदर कुछ भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, ऑप एम्प का फिगर कैसा भी दे दिया है और कोई बात ना बोली हो, आइडियल या प्रैक्टिकल ना बोला हो तो आप अपनी तरफ से आइडियल मानकर चलेंगे, कुछ ना बोला हो एग्जामिनर ने तो भी आप क्या मानकर चलेंगे, आइडियल ऑप एम्प, राइट। तो बताओ स्टूडेंट्स आइडियल ऑप एम्प पर इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब इनपुट करंट का मतलब दिस, यहां करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो एम्पियर, क्योंकि ये टर्मिनल इनके बीच में इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, अनंत। अगर ये ब्रांच ही ओपन है स्टूडेंट तो क्या कोई अंदर करंट जाएगी, नहीं जाएगी आइडियली। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो स्टूडेंट्स, इनपुट पर कोई भी करंट हम नहीं दिखाएंगे, दोनों टर्मिनल पर कोई करंट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, जीरो, राइट। दूसरा, अब मैं बात करूं यहां आर नॉट की वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली पता है कि वी नॉट बराबर क्या होगा, एओएल इंटू वी आई डी, ये देख सकते हो आप, एओएल बराबर वी नॉट अपॉन वी आई डी है, तो वी नॉट बराबर एओएल इंटू वी आई डी, ठीक। तो आर नॉट यहां दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सो दैट्स वाई अब मैं अगर चीजें स्टार्ट करूं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बेसिक रिलेशन हम जानते हैं ओपन लूप गेन का, एओएल, इजी वे में समझना है स्टूडेंट्स, इजी वे में। देखो अभी आपके लिए नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इट विल टेक सम टाइम, आफ्टर फाइव मिनट्स मैं स्टूडेंट डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, वर्चुअल शॉर्ट, जिसके बाद सारे क्वेश्चंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व होंगे, लेकिन पहले एग्जैक्ट मेथड आप सीख जाओ, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट है, जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मेरी हर बार कोई भी क्लास में कोशिश होती है पहले एग्जैक्ट मेथड बताना और फिर बाद में एग्जाम में क्या आप एग्जीक्यूट करते हो, राइट। तो शॉर्टकट मेथड में इसके बाद बताऊंगा, पहले आप एग्जैक्ट मेथड को समझें। एओएल क्या होता है स्टूडेंट्स, ओपन लूप गेन का मतलब क्या है, ओपन लूप गेन का मतलब है यहां जो आउटपुट वोल्टेज बनेगा डिवाइडेड बाई, याद रखना ये वाला एम्पलीफायर जिसके टर्मिनल पर कौन सा इनपुट अप्लाई है, तो इसके टर्मिनल पर स्टूडेंट्स आपको मैंने ब्लू कलर से पहले भी बोला था इन दोनों के बीच का डिफरेंशियल वोल्टेज वीआईडी कहलाएगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूं एओएल बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन वीआईडी, ये वो गेन है जिसमें फीडबैक की अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल यहां तक की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, राइट, इस वर्जन की बात कर रहा हूं। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज वी नॉट और इनपुट वोल्टेज वीआईडी। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि आपके पास वी नॉट की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, वी नॉट इज नथिंग बट, वी नॉट इज नथिंग बट एओएल इंटू वी आई डी। दूसरी बात, इनपुट का जो डिफरेंस वोल्टेज है वो किससे किसका अंतर है स्टूडेंट्स, वी प्लस से वी माइनस का, वी प्लस से वी माइनस का अंतर है। इसका मतलब यहां पर एओएल वी आई डी का मतलब है वी प्लस माइनस वी माइनस। अच्छा एक बात सोचो, इस बार वी प्लस पर जो वोल्टेज अप्लाई है क्या उसकी वैल्यू वी आई है, तो फ्रॉम फिगर ये बात क्लियर है, वी प्लस मैं यहां लिख देता हूं, वी प्लस ही अपने पास क्या है इस बार, वी प्लस ही क्या है अपने पास, वी इनपुट, तो वी आई। तो यहां पर V0 की वैल्यू आ गई AOL और V प्लस का मतलब V सफिक्स में आई माइनस V माइनस।
अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं यहां पर कि यहां से आप बताओ कि v माइनस का मान क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स v नॉट अपॉन aol बराबर vi माइनस v माइनस है। अब मैं अगर v माइनस का मान निकालूं तो v माइनस एक्चुअल में क्या है, v माइनस का मतलब है इन्वर्टिंग वोल्टेज, तो इन्वर्टिंग वोल्टेज v माइनस का मतलब है आप इसको इस तरफ ले जाएं तो ये वैल्यू आएगी vi और माइनस का v नॉट अपॉन aol, तो ये आपके पास v माइनस आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई, मान लो ये समीकरण एक बन गया। ठीक है, मैंने अभी कुछ नया नहीं किया स्टूडेंट, देखो आज तक हम यही रिलेशन लिखते हुए आ रहे थे कि ओपन लूप गेन बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज, और v नॉट बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल, तो aol into vid। अब aol into vid का मतलब आप सभी जानते हो v प्लस से v माइनस का अंतर, राइट। तो v प्लस पर कौन सा वोल्टेज अप्लाई है, vi, तो v प्लस पर जो वोल्टेज अप्लाई है उसे हम क्या कह रहे हैं, vi, और ये वाला वोल्टेज अगर vi है तो मैंने इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, और माइनस इनवर्टिंग टर्मिनल, इस पॉइंट का वोल्टेज अभी मुझे नहीं पता, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है v माइनस, और ये वाला क्या था v प्लस, ये वाला v प्लस ही क्या है vi, तो मैंने स्टूडेंट यहां v माइनस रखा। अब v माइनस का मान चाहिए तो मैंने इसको इसमें भाग दे दिया, फिर पक्षांतर कर लिया, तो ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बात सोचो, अगर अब मैं आपसे बोलूं, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे रिलेशन पता करना है, किससे एक रिलेशन मुझे पता करना है स्टूडेंट्स, इस आरएफ वाले टर्म का मतलब वी नॉट और इस वाले टर्म पर यहां जो वोल्टेज बन रहा है, अगर मैं इन दोनों में रिलेशन पता करूं तो मेरे पास आउटपुट और इनपुट में प्रॉपर रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तो ऐसा कोई फीडबैक टर्मिनोलॉजी नहीं है लेकिन यहां पर फीडबैक का रिलेशन है, तो मुझे स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, यहां पर सिंपली किरचाफ धारा का नियम लगा देना चाहिए, राइट। अगर मैं किरचाफ धारा का नियम लगाऊं तो देखो किरचाफ धारा का नियम लगाने पर, मैं आपको समझाने के लिए इस फिगर को फिर से दिखा रहा हूं, देखो यहां पर यह वैल्यू है इनपुट वोल्टेज vi, यहां पर अपने पास यहां जो वोल्टेज होगा इस टर्मिनल पर उसे v माइनस कहते हैं। ठीक है, v माइनस का मतलब इन्वर्टिंग। ठीक, अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे कि KCL लगाओ, तो किरचाफ धारा के नियम, पहले तो यह समझना आइडियल ऑफ एम है तो इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, 0 एम्पियर। अगर करंट 0 जा रही है तो एक करंट मैं यहां मान सकता हूं बाहर की तरफ, से दिस करंट इज I1, और एक करंट मैं यहां मान सकता हूं बाहर की तरफ I2। क्या इस तरफ कोई करंट जा रही है, तो ये एक ऐसा नोड है जिस पर I1 और I2 तो दिख रही है, ये वाली जो करंट I3 है ये तो 0 है क्योंकि आदर्श ऑप एम्प में कोई करंट अंदर नहीं जाएगी, तो इस नोड पर, पर्टिकुलर नोड पर केवल दो धाराएं बन रही हैं, और मैंने दोनों धाराएं किस दिशा में मान ली, बाहर की तरफ। आप अंदर या बाहर किसी भी डायरेक्शन में करंट को एज्यूम कर सकते हैं। और एक बात और, जिनको बेसिक में स्टूडेंट्स नेटवर्क पर केसीएल या नोडल लगाने में कहीं दिक्कत आती है, वो नेटवर्क की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसको प्रॉपर वे में पढ़ें, और जो स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके हैं उनको भी मेरी एडवाइस है एक बार आप नेटवर्क के लेक्चर जरूर देखें, ताकि स्टूडेंट्स आपको जो कॉन्सेप्ट अभी भी कहीं आपको डाउट आता है तो वो थ्रू आउट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये बातें जो मैं अब बता रहा हूं केसीएल लेक्चर नंबर 2, 3, 4 आप देखेंगे, इजिली आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी यहां से भी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए अब यहां नोटिस करो, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर केसीएल लगाऊं, तो अगर मैं केसीएल लगाता हूं से अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, अगर मैं केसीएल लगाऊं स्टूडेंट, तो यहां कितनी करंट बन रही है, दोनों करंट I1 और I2, ये भी बाहर ये भी बाहर, तो अगर दोनों धाराएं बाहर की तरफ है तो क्या कोई धारा अंदर आ रही है, नहीं आ रही, तो I1 प्लस I2 बाहर जाने वाली धाराओं का योग अंदर आने वाली धारा के बराबर, तो I1 प्लस I2 का योग 0 के बराबर। अच्छा, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध सभी जानते हैं, इधर देखो जरा, इस नोड पर अगर मैं I1 की वैल्यू पूछूं, तो देखो स्टूडेंट्स ये एक पर्टिकुलर नोड है जिस पर आपके पास पोटेंशियल है वी माइनस, और यहां एक प्रतिरोध कितना है R1। ठीक है, यहां क्या है ग्राउंड। अब जरा समझना, आपसे मैंने पूछा कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में I1 धारा कितनी होगी, तो बताइए स्टूडेंट धारा बराबर I1 का मान क्या होगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर का मतलब धारा इस नोड से इस नोड पर जा रही है, इसका मतलब V माइनस से किसको घटा दें, V माइनस माइनस जीरो,
इस नोड के वोल्टेज से इस नोड के वोल्टेज को घटा दिया डिवाइड बाई प्रतिरोध R1, तो ये तो वैल्यू हो गई I1 की। दूसरा सोचो, अब मुझे I2 लिखना है। I2 का मतलब मैं फिर से फिगर बना रहा हूं, साइड में देखना। I2 का मतलब है स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर नोड जिसकी वैल्यू है V माइनस, और यहां एक प्रतिरोध लिखा है RF, और यहां नोड वोल्टेज है V नॉट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट बहुत आसान होने वाली है चीजें स्टूडेंट्स, बस ये डेरिवेशन आप समझ जाए, इसके बाद चीजें बहुत आसान होने वाली है। देखो यहां पर, अब मैं यहां बोलूं आपसे कि I2 का मान क्या है, तो जरा चेक करें। I2 इस नोड से इस नोड पर आप देख रहे हैं, तो I2 की वैल्यू, I2 शुड बी व्हाट, धारा इस नोड से इस नोड पर जा रही है, तो हायर पोटेंशियल पर हम किसको मानेंगे, V माइनस। धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो धारा जहां से जा रही है उसको बड़ा पोटेंशियल मानेंगे V माइनस, और अगले से घटा दें तो माइनस V नॉट डिवाइड बाई प्रतिरोध की वैल्यू आर एफ। तो इसका मतलब है I2 का मान क्या हो गया स्टूडेंट, V माइनस माइनस V नॉट अपॉन आर एफ। तो यहां आप I1 और I2 के मान रख सकते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए इस डाटा को अब मैं हटा दूंगा। आपको समझाने के लिए मैंने इसको और इसको अलग अलग ब्रेक करके दिखाया है, राइट। तो अगर मैं अब इसको हटा दूं स्टूडेंट्स, तो आप I1 और I2 की वैल्यू के साथ एक रिलेशन बना सकते हैं, राइट। आप स्टार्ट करें इसको, अगर मैं इसको हटाऊं तो देखिए, अगर हम मैं KCL पर यह डाटा लिखूं तो क्या बनने वाला है जी। I1 का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, V माइनस, याद रखें ये माइनस केवल क्या बता रहा है, इन्वर्टिंग का वोल्टेज है ये, माइनस जीरो डिवाइड बाई प्रतिरोध R1। फिर इस धारा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इस हायर पोटेंशियल V माइनस से किसको घटाना, V नॉट को, तो V माइनस माइनस V नॉट डिवाइड बाई आर एफ बराबर जीरो। अब मैं V माइनस को एक तरफ कर लेता हूं, तो हमने क्या किया, इसको V माइनस अपॉन R1 लिखा, और ये दोनों में भाग जा रहा है, तो प्लस V माइनस अपॉन आर एफ माइनस V नॉट अपॉन आर एफ बराबर जीरो। मैं V माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां वैल्यू आ गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन आर एफ, दैट शुड बी इक्वल टू V नॉट अपॉन आर एफ, राइट। अब यहां से देखो, अगर मैं स्टूडेंट बोलूं R1 RF का मैं LCM ले लूं, तो क्या ये वैल्यू R1 into RF होगी, और ऊपर अंश में R1 के साथ क्या बचेगा, RF, और RF के साथ क्या बचेगा, R1 बराबर V0 upon RF। RF और RF कट गए आपस में, और अगर मैं इसका अलग अलग भाग दूं तो V- के साथ RF by R1 प्लस R1 का भाग R1 में दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, बराबर V नॉट। देखो स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है जरा समझें, मेरी रिक्वायरमेंट है आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन इस Vi के साथ बनाना। देखो क्लोज लूप गेन निकालना है, और क्लोज लूप गेन कितना आना चाहिए, V नॉट अपॉन Vi। अभी किसका किसका रिलेशन पता चला, V नॉट और V माइनस का, तो मैं V माइनस का मान अगर Vi के रिस्पेक्ट में लिख दूं तो क्या अपने आप मुझे V0 और Vi का अनुपात पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको समीकरण दो मान लिया। अब देखो समीकरण दो में, समीकरण एक से V- का मान पुट करने पर, और जैसे ये मान हम रखेंगे हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये वाला रिलेशन स्पेस कम है स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, ये आप लिख चुके होंगे। यहां पर अब जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो यहां पर देखो क्या वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है पुट वैल्यू ऑफ V माइनस इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो पुट करते हैं, बस आ गया ये रिलेशन। V माइनस की वैल्यू क्या है अपने पास, Vi माइनस V नॉट अपॉन AOL, और इनसाइड वैल्यू क्या थी, देखो RF बाई R1, तो RF बाई R1 एज इट इज, ठीक है, प्लस R1 बटे R1 का मतलब क्या है 1, दैट शुड बी इक्वल टू V नॉट। अब जरा चेक करो
वी नॉट यहां भी है, वी नॉट यहां भी है, तो दोनों वी नॉट को एक साथ रखना होगा। चलो पहले अलग अलग गुणा कर लो, तो वी आई के साथ एक बार हमने पूरे का गुणा कर दिया तो 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, फिर एक बार माइनस वी नॉट बाई ए ओ एल का गुणा कर दिया 1 प्लस आर एफ बाई आर वन बराबर वी नॉट। अब इस वी नॉट वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये वैल्यू है वी आई 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, दैट शुड बी इक्वल टू, इसको अगर मैं इधर पक्षांतर करूं स्टूडेंट्स, तो V नॉट प्लस V नॉट अपॉन AOL, V नॉट अपॉन AOL 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, ठीक है। और आपने जब V नॉट यहां कॉमन लिया होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन AOL 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, ठीक है। यहां से ये वैल्यू आ रही है वी आई 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। अब देखो आपको निकालना क्या था, आपकी न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट है क्लोज लूप गेन। बोर्ड पर ध्यान से देखो क्या कैलकुलेट करना है अपने को, क्लोज लूप गेन। तो अगर मुझे क्लोज लूप गेन निकालना है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्लोज लूप गेन का मतलब क्या है, आ जाओ वापस। थोड़ा सा स्टूडेंट आपके लिए लेंदी हो गया मैं समझता हूं, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक मैं फॉर्मुलेशन बनाऊंगा जिसके बाद क्वेश्चन सेकंड्स में होगा, जो ऐसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देखो अगर मैं यहां बोलूं कि इस समय, अब बताओ क्लोज लूप गेन कितना बन रहा है, तो ACL का मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स, हां ध्यान से, पूरे का आउटपुट वोल्टेज बटे पूरे का इनपुट वोल्टेज, तो ACL का मतलब वी नॉट अपॉन वी आई। तो स्टूडेंट वी नॉट में अगर मैं इस वी आई का भाग दूं तो देखिए क्या रिलेशन बनने वाला है, V नॉट में अगर मैं V I का भाग दूं तो अंश में क्या आएगा, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, एग्री, हाँ, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ए ओ एल और 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। यहां से आप नोटिस करो, अगर ए ओ एल का मान, सभी लोग बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर जो हमने माना था, मैंने कहा था कुछ ना बोला हो तो हमेशा क्या मानते हैं, आइडियल, तो इसका मतलब AOL का मान कितना है, अनंत। एक ऐसा एम्पलीफायर जिसका गेन कितना है, अनंत। अगर अनंत है तो AOL की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो, और अगर AOL का मान अनंत है तो बताइए स्टूडेंट किसी के बटे में अनंत आ जाए, किसी के बटे में अनंत आ जाए तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, और 0 का गुणा किसी में भी करें वैल्यू 0, 0 प्लस 1 1, तो क्या अपने पास बहुत आसान वैल्यू आ चुकी है, ACL अपने पास निकल कर आया, क्लोज लूप गेन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। और ये जो डाटा आया है स्टूडेंट बहुत ध्यान से नोटिस करना, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन आया, बटे में 1 आया, 1 प्लस 1 बटे अनंत 0, अगर ये वैल्यू 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो स्टूडेंट 0 प्लस 1 का मतलब 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। अब इस बात को नोटिस करो, अगर RF को आपने, सभी बोर्ड पर देखना है स्टूडेंट्स, RF को आपने माना होता 9 किलो, R1 को लिया होता डिजाइनर ने 1 किलो, क्योंकि अब तो डिजाइनर वैल्यू सेट करेगा, तो डिजाइनर ने इसको 9 किलो ओम बनाया होता, इसको 1 किलो ओम बनाया होता, तो देखो क्या होता, क्लोज लूप गेन समझना, 1 प्लस 9 के अपॉन 1 के, तो 9 प्लस 1 10, बताओ स्टूडेंट्स क्या ओपन लूप गेन कितना था, अनंत, क्लोज लूप घटकर कितना आ गया, केवल और केवल 10। इसका मतलब क्या, हमने गेन को रिड्यूस किया, और गेन को रिड्यूस किया तो इनपुट 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 जो पहले बहुत लो रेंज में था, इसकी रेंज बढ़ा ली हमने, और रेंज बढ़ा ली स्टूडेंट्स, तो क्या अब ये सिस्टम स्टेबल होगा, इसका आउटपुट ऐसा नहीं होगा कि प्लस वी सेट या माइनस वी सेट चला गया, सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ये सिस्टम मोर स्टेबल हो जाएगा, बस केवल और केवल इसका गेन घटा है, जिसके अब बहुत सारे फायदे लेने वाले हैं हम लोग, इसकी हेल्प से नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा मोटो है, देखो इधर हुआ क्या, जरा समझना, ACL की वैल्यू क्या आई, ACL की वैल्यू आई V नॉट अपॉन V I, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो V नॉट कितना आया 10 इंटू V I, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज केवल 10 गुना आया है V I का। लेकिन स्टूडेंट 10 गुना आने से ये रिलेशन तो लीनियर में बना,
इसका मतलब मैं स्टूडेंट्स अगर इनपुट पर कोई 1 वोल्ट 10 वोल्ट लगा रहा होता 5 वोल्ट लगा रहा होता तो स्टूडेंट मैं बोलता कि मैंने अगर 1 वोल्ट लगाया है तो 1 × 10 वोल्ट आता, तो 1 वोल्ट लगाने पर कितना आता 10 वोल्ट। तो क्या 1 वोल्ट रेंज, 1 वोल्ट रेंज लीनियर में बहुत बड़ी रेंज है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं क्या घटा दूं स्टूडेंट्स गेन, और गेन कैसे घटेगा निगेटिव फीडबैक यूज करके। तो ये इसका वर्सेटाइल एप्लीकेशन है। अब आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर डाली सर ने, सर ने क्या क्या लिख डाला, पहले एक रिलेशन बनाया फिर एक यहां रिलेशन बनाया फिर वैल्यू पुट की, ये तो बहुत लंबा टाइम ले जाएगा। तो अब मैं एक नई कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल सॉर्ट। गिव द हेडिंग वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट। यहां से अब स्टूडेंट्स आपके लिए नई चीजें खुलकर आएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ, अब इस पर मैं वर्चुअल सॉर्ट की कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। तो देखो जैसा मैं अभी आपसे बोल रहा था, जो फिगर मैंने अभी लिया था उसी सेम फिगर को हम फिर से देखते हैं। देखो आपने अभी जिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर जो फिगर लिया था वो ऐसा था, ऑप एम्प पर ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया स्टूडेंट्स हमने, जिस पर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये दोनों टर्मिनल है, यहां आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, इसके बाद मैं पॉजिटिव पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहा था वी आई। ये लास्ट वाला डाटा ही है स्टूडेंट्स, याद रखना अब क्वेश्चन किस वे में कर रहे हैं और पहले किस वे में कर रहे थे। दिस इज वी आई और यहां पर निगेटिव फीडबैक हमने लगा रखा है, निगेटिव फीडबैक फीडबैक प्रतिरोध आर एफ के साथ लगा रखा है, से दिस इज आर एफ, और आर एफ के साथ सीरीज में जो एक प्रतिरोध लगा था दैट इज कॉल्ड आर वन, राइट, यहां ग्राउंड था। तो ये जो लास्ट मैंने डाटा लिया था इस क्वेश्चन को पहले मैंने एग्जैक्ट मेथड से बताया था स्टूडेंट्स, और मैंने देखा कि जो लास्ट एनालिसिस थी काफी लेंदी एनालिसिस थी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो किसी भी ऑप एम्प को क्वेश्चन को अगर हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले किन दो बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे फर्स्ट बात, अगर ये स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैं बात करूं तो ये आइडियल है भी। अगर ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, बी क्लियर, मैं बात यहां किसकी कर रहा हूं आइडियल, तो आइडियल में मेरी अभी जो जरूरत है वो दो पॉइंट की है। मैंने बोला इसका इनपुट रेजिस्टेंस अनंत है, कितना है स्टूडेंट्स अनंत। दूसरा, आइडियल पर ओपन लूप गेन भी क्या होगा अनंत, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और ओपन लूप गेन इनफाइनाइट। मैं दोनों बातों का ध्यान रखता हूं, एक एक करके आप चीजों को समझे। पहला, अगर मैं बोल रहा हूं कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, यहां पर कोई भी करंट नहीं आ रही, और अगर कोई भी करंट नहीं आ रही इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आइडियल ऑप एम्प। देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, आरआई का मान, पहला स्टेटमेंट समझना, आरआई हमने क्या बोला अनंत, आरआई अनंत होने का मतलब क्या है, यहां किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो टर्मिनल है स्टूडेंट्स, एक इस टर्मिनल को मैं बोलता हूं, मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इसको मैंने नाम दिया से दिस इज वी माइनस, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने बोला वी प्लस, ये वी प्लस है और ये वी माइनस है, बहुत ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है वी आई डी, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आर आई की वैल्यू इंफाइनाइट, तो आप सोचो अंदर बहने वाली धारा को मैं आई ऑफ आई मान लेता हूं, तो ये धारा क्या होगी, यहां बनने वाला वोल्टेज, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या है वी आई डी, वी आई डी डिवाइड बाई प्रतिरोध। आप मुझे एक बात सोचकर बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला है कि आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट, अगर ये अनंत है स्टूडेंट्स तो इस पर जो धारा जाएगी अंदर, ध्यान से देखो मैं पहले भी बता चुका हूं फिर से बता रहा हूं, आई ऑफ आई का मतलब क्या होगा वी आई डी अपॉन आर आई, और किसी के डिवाइड में जब तक वैल्यू इनफाइनाइट ना हो तब तक वैल्यू जीरो नहीं आएगी। जैसे ही आपने आर आई का मान इनफाइनाइट रखा तो क्या ये आई ऑफ आई का मान जीरो आ गया, तो आपका पहला स्टेटमेंट निकल कर आया आइडियल ऑप एम, आइडियल ऑप एम आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉज डी आर ए डब्ल्यू एस ड्रॉज जीरो इनपुट करंट। तो किसी भी न्यूमेरिकल में स्टूडेंट ध्यान देना, हम जो भी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं उसमें ये पहला की पॉइंट अपने को निकल कर आया कि यहां पर ये मैंने भी आपको समझाने के लिए वीआईडी लिखा है स्टूडेंट्स। अब जरा समझना आप, मैं इसी फिगर पर आपको
थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके क्या लिखने वाला हूं, ज्यादा ध्यान से देखना। मैंने बोला इस पर कोई भी इनपुट करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब आई ऑफ आई की वैल्यू यहां क्या है, जीरो। इस टर्मिनल से भी कोई करंट नहीं जाएगी, तो आई ऑफ आई क्या है अपने पास, जीरो। तो यहां पर कोई भी करंट नहीं जा रही। दूसरा अब मेरी जरूरत क्या है स्टूडेंट्स, यहां स्पेस नहीं है, मैं इस फिगर को फिर से बना रहा हूं, आप लोग केवल और केवल कॉन्सेप्ट पर चलना है स्टूडेंट्स। देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस फिगर को फिर से दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें प्रॉपर क्लियर हो। दिस इज वी नॉट, वी नॉट के बाद यहां एक माइनस टर्मिनल, यहां एक प्लस टर्मिनल, प्लस पर अपन ने लगा रखा है वी आई, राइट, इनपुट वोल्टेज। और फीडबैक कैसा है स्टूडेंट, यहां पर फिर से निगेटिव फीडबैक है अपने पास, तो आउटपुट से हम लोग फीडबैक रेजिस्टेंस, यहां एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, पहले फिगर में मैंने आपको बताया था आरएफ, तो मैंने यहां इस निगेटिव के साथ मर्ज किया और इसके साथ सीरीज में एक प्रतिरोध क्या लगा हुआ था, आर वन, राइट, और ये क्या है, ग्राउंड। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट पुरानी क्लासेस देख चुके हैं या जिन्होंने नहीं भी देखा वो इस बात को अब नोटिस करना कि इन दोनों टर्मिनल का मतलब क्या है। और ध्यान रखना जितनी भी बातें अभी मैं बोल रहा हूं, मैं यहां जो भी बातें बोल रहा हूं इस एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ये इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए बात हो रही है, मतलब मैं बात अभी ओपन लूप की कर रहा हूं, अभी फीडबैक के साथ बात मैंने नहीं की, राइट। तो देखो अगर यहां बोला गया आर आई का मान अनंत और एओ एल का मान अनंत, तो देखिए स्टूडेंट्स आर आई बराबर इनफाइनाइट का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनसाइड कोई करंट नहीं जा रही, राइट, ये आदर्श एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी है। अब दूसरी बात क्या समझ में आ रही है, अगर मैंने बोला एओ एल आदर्श एम्पलीफायर का, यहां अगर मैं आदर्श वोल्टेज एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑप एम्प क्या है, एक वोल्टेज एम्पलीफायर, और आदर्श वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन कितना है स्टूडेंट्स, अनंत। तो सभी लोग नोटिस करना, ये वाला टर्मिनल को अपन क्या बोलते हैं, वी माइनस, और थोड़ी देर के लिए आप अभी ऐसा समझो कि ये कौन सा वोल्टेज है, वी प्लस, राइट। तो ये वी प्लस है और ये वी माइनस है, और इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी आई डी। अगर मैं अभी फीडबैक को ना देखूं स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी फीडबैक को ना देखूं तो मुझे इतनी बात क्लियर होनी चाहिए इस एम्पलीफायर के लिए, केवल इस एम्पलीफायर के लिए ये जो गेन होता है ओपन लूप गेन, ये किससे किसका अनुपात है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट में टर्मिनल वोल्टेज। याद रखना मैं इन दोनों वोल्टेज की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूं, ऑप एम्प के टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल पर बनने वाले वोल्टेज की बात कर रहा हूं, मैं अभी फीडबैक की बात नहीं कर रहा, मैं इस पॉइंट के वोल्टेज और इस पॉइंट के वोल्टेज की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं यहां पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहा। तो देखो एओ एल अपॉन वी आई डी है, यह बात सभी एग्री कर रहे हो। अब जरा सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वी आई डी कितना होगा, तो जरा चेक करो, वी आई डी अगर मैं इधर ले जाऊं तो वी नॉट अपॉन एओ एल होना चाहिए, और आप बताओ आदर्श ओपन का ओपन लूप गेन कितना होता है, अनंत। अगर इस वैल्यू को मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं तो किसी के बटे में अनंत आने का मतलब वैल्यू क्या है, जीरो। तो आदर्श ओपन में वी आई डी का मान क्या होना चाहिए, जीरो। अब जरा सुनो वी आई डी का मतलब ही क्या था स्टूडेंट्स, वी आई डी का मतलब है वी प्लस माइनस वी माइनस, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से घटाना था, तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज प्लस, इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस, तो वी प्लस माइनस वी माइनस, और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। तो ये बताता है कि वी प्लस का मान ही किसके बराबर होना चाहिए, वी माइनस, और इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या बता रहा है, देखो एक तरीका क्या था स्टूडेंट्स, एक तरीका ये था, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे, अभी रिकॉल करना, लास्ट क्वेश्चन पर मैंने पूछा था क्लोज लूप गेन, जब आपने क्लोज लूप गेन निकाला तो ये आंसर आया था वन प्लस आर एफ बाई आर वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन अपॉन एओ एल वन सॉरी आर एफ बाई आर वन प्लस वन या वन प्लस आर एफ बाई आर वन, एक ही बात है। अब जरा नोटिस करो, अगर ये वन अपॉन एओ एल पर मैंने सबसे लास्ट में इस एओ एल का मान क्या रखा था स्टूडेंट्स, मैंने इस एओ एल का मान अनंत रखा था,
और जब मैंने इसका मान अनंत रखा तो 1 अपॉन अनंत का मतलब 0, 0 इंटू समथिंग 0 और 1 प्लस 0 का मतलब 1, तो अल्टीमेटली ये फाइनल रिजल्ट आ गया था 1 प्लस RF अपॉन R1। आप सोचो स्टूडेंट्स, इतनी कहानी सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता था, बाद में हम क्या रखते थे, ओपन लूप गेन का मान अनंत। तो उससे बेटर तो ये है कि हम सीधे स्टार्टिंग पर ही किस कॉन्सेप्ट को यूज करें कि इस आइडियल ऑप एम्प पर ओपन लूप गेन कितना बनाना है, इन्फाइनाइट। और अगर ये इन्फाइनाइट है तो इसका मतलब है AOL बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट का कौन सा वोल्टेज, ये वाला टर्मिनल का। बी क्लियर, बात किसकी हो रही है, टर्मिनल की। अब जब ये टर्मिनल की बात हो रही होगी, इसका मतलब V नॉट अपॉन VID, और VID को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो V नॉट अपॉन AOL, और AOL का मान अनंत रखने का मतलब समथिंग अपॉन अनंत बराबर 0, तो VID का मान 0 आना, और VID का मतलब ही क्या है, V प्लस माइनस V माइनस, और पक्षांतर करने पर V प्लस ही किसके बराबर आना चाहिए, V माइनस। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट। अब जरा समझना वर्चुअल मैंने वर्ड क्यों यूज किया। आप सोचो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे आखिर बात क्या की, मैंने बोला कि V प्लस बराबर V माइनस रखो, V प्लस का मतलब है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, V माइनस का मतलब क्या है, इनवर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, और मैं दोनों को क्या कह रहा हूं, इक्वल करने की बात। तो दोनों को इक्वल करने का मतलब है इस V प्लस पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इस पर होना चाहिए। लेकिन क्या यहां पर कोई आपस में शॉर्ट वायर कनेक्ट है क्या, इसका मतलब फिजिकली तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है किसी शॉर्ट वायर से। अगर फिजिकली आपस में ये शॉर्ट वायर से कनेक्ट नहीं है और मैं बोल रहा हूं कि दोनों का वोल्टेज सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आभासी, वर्चुअल शॉर्ट। इसका मतलब ये वाला टर्मिनल, बहुत ध्यान से आप नोटिस करना है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बात कही है आपको, ये वाला पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल शॉर्ट। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस टर्मिनल के वोल्टेज को अगर मैं इस टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर बना दूं तो VID का मान क्या बन जाएगा, 0, और VID अगर अपने पास 0 हो गया, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के वोल्टेज का अंतर 0 हो गया, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर ये 0 हो गया VID, तो बताओ क्या गेन की वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर VID 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, तो समथिंग अपॉन 0 बराबर क्या आ जाएगा, अनंत। तो इसका मतलब ओपन लूप गेन जो हम लास्ट में अनंत रख रहे थे वो कंडीशन पहले ही अचीव हो जाएगी। तो वर्चुअल शॉर्ट का मतलब है आपके पास कोई फिजिकली शॉर्ट वायर नहीं है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दोनों अलग अलग टर्मिनल पोटेंशियल है, लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए जो काम हम बाद में करते थे, AOL का मान अनंत, पहले ही इसको पुट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का पोटेंशियल दोनों को सेम पॉइंट पर मान लिया। और सेम पॉइंट पर मानने का मतलब अगर यहां का वोल्टेज मुझे पता है तो बाय डिफॉल्ट मुझे इस पॉइंट का भी वोल्टेज पता होगा, राइट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वर्चुअल शॉर्ट। और स्टूडेंट्स, अगर पूरे इस चैप्टर में ये दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है जो मैंने अभी डिस्कस की, मैंने बोला आइडियल ऑप एम्प डॉट 0 इनपुट करंट, दूसरा मैंने बोला ये दोनों टर्मिनल आपस में वर्चुअल शॉर्ट होंगे क्योंकि गेन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और ये दो कंडीशन अगर आप पुट करते हो स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं। बाकी बेसिक नेटवर्क लगाना है और कुछ ऐसा इसमें नहीं है। सेम रिजल्ट अभी आएगा, मैं ये सेम रिजल्ट अभी प्रूफ करने जा रहा हूं इसी सर्किट का, लेकिन पहले एनालिसिस लॉन्ग हो रही थी, अब सिंपल वे में एनालिसिस हो सकती है। बस आपको किन दो बातों का ध्यान रखना है, आइडियल ऑप एम्प ड्रॉ 0 इनपुट करंट, क्योंकि इनपुट का रेजिस्टेंस कितना बनाना है, अनंत। ये अनंत तभी बन सकता है जब इनपुट करंट बराबर इनपुट पर वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाई प्रतिरोध, ये डिवाइड बाई अनंत होना चाहिए, ये डिवाइड बाई अनंत का मतलब 0, तो आई इनपुट पर जाने वाली करंट कितनी है, 0। तो ऑप एम्प जो भी हम ले रहे हैं आइडियल, इसका मतलब है ये अपने अंदर कोई धारा नहीं लेता। तो यहां पर हम लोगों ने टर्मिनल्स पर करंट क्या मान ली, 0। दूसरा यहां क्या कॉन्सेप्ट था, जो वोल्टेज इस पोटेंशियल पर होगा वही वोल्टेज इस पोटेंशियल पर होगा, राइट। इसका मतलब दोनों आपस में वर्चुअली क्या है, शॉर्ट। याद रखना वर्चुअली शॉर्ट वर्ड मैंने यूज किया है, इसको कभी भी फिजिकली शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। वर्चुअली शॉर्ट डिफरेंट, फिजिकल शॉर्ट इज डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में अभी अलग अलग बातें निकल कर आएंगी, अभी आपको जिस बात पर कीन इंटरेस्ट लेना है वो है वर्चुअल शॉर्ट। और वर्चुअल शॉर्ट से ये कॉन्सेप्ट आएगा वर्चुअल ग्राउंड। मान लीजिए ये वाला टर्मिनल ग्राउंड होता, ये 0 पोटेंशियल पर होता, तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या आ जाता, 0। इसी बात को हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड होना, राइट। क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड।
तो पहले आपको समझना होगा वर्चुअल शॉर्ट का क्या मतलब है, आप समझ चुके हैं, इन दोनों पोटेंशियल को सेम करना। और देखो स्टूडेंट्स कितनी आसानी से अब ये सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा और एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। ये जो रिजल्ट अभी मैंने निकाला था, आपने लास्ट डेरिवेशन देखा था, काफी लंबी हो रहा था, जिस पर क्योंकि बार बार ये फॉर्मूले याद करना अपने लिए टफ होगा, तो आसानी से हम केवल और केवल केसीएल लगाकर आसानी से आंसर सिंगल लाइन में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों रूल्स को मैं एक साथ यूज करता हूं। अगर मैं दोनों रूल्स को एक साथ यूज करूं तो इस फिगर को फिर से आप देखें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम फिगर पर अगर मैं बातें करूं तो सेम फिगर का मतलब है, जैसे यहां पर मैं स्टूडेंट्स सेम फिगर पर दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करूं, तो पहला कॉन्सेप्ट था अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ईच एंड एवरीवेयर, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था 90% ऑफ द क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे। देखो जैसा ये फिगर था स्टूडेंट्स, ये जो फिगर था ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट, यहां माइनस यहां प्लस। मैं बात कर रहा हूं किसकी, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का मतलब आपको पता है, मैं फीडबैक प्रतिरोध आरएफ की हेल्प से यहां निगेटिव दिखा रहा हूं और इसके साथ सीरीज में एक प्रतिरोध R1 लगा है। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, आउटपुट का सम पोर्शन हम फीडबैक करते हैं, इसलिए इसको विभव विभाजक सर्किट से हम लोग बनाते हैं और यहां इनपुट पर जो वोल्टेज था वो VI था, राइट। अब जरा देखो मुझे निकालना क्या है और क्या क्या बातें मुझे नोन है। मुझे दो बातें पता है, ऑप एम्प मेरा कैसा है, आइडियल। आइडियल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, RI क्या होगा, RI अनंत होगा और इसका गेन ओपन लूप गेन कितना है, अनंत। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स मेरी बात समझना, मैंने आपको बताया था ओपन लूप गेन, ये यहां तक की बात हो रही है अभी, ये केवल और केवल यहां तक की बात हो रही है। और अब आपसे पूछा क्या गया है, क्लोज लूप गेन। आपसे क्या पूछा गया है, क्लोज लूप गेन। तो स्टूडेंट जो आपसे पूछा गया है वो है ACL। क्लोज लूप गेन का मतलब पूरे का आउटपुट डिवाइड बाई, अब जो पूरे पर इनपुट लगा कहां है, दिस, सो दिस इज वी नॉट अपॉन VI, यही कहलाएगा क्लोज लूप गेन। ये अपने को निकालना है। अगर मुझे ये पता करना है कि क्लोज लूप गेन कितना है तो बताओ फीडबैक कैसा अपन ने लगाया, फीडबैक लगाया है निगेटिव, इसका मतलब है अब ये गेन घटकर आएगा, तो ये किसका आएगा, इस पूरे कंफिगरेशन का। और जो पहले AOL लिखा है वो किसका है, अप टू दिस, जो पहले हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया है, राइट। दिस इज बेसिक एम्पलीफायर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब जरा समझो, मैं स्टूडेंट्स जो दो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं, क्या क्या बातें की मैंने, दोनों बातें मैं ब्लू कलर से आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, नोटिस करना। मैंने पहली बात बोली RI बराबर अनंत, आइडियल ऑप एम्प की पहली प्रॉपर्टी है इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, अनंत। इसका मतलब क्या, इसके अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, अगर नहीं जाएगी तो इसका मतलब यहां से भी जीरो एम्पियर, यहां से भी करंट अपन क्या देख रहे हैं, जीरो। दूसरी बात, AOL बराबर अनंत, ये तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो सीधे ये वाला वोल्टेज था कितना, VI, और यहां पर अपने को वोल्टेज पता करना है, तो मैं इस वोल्टेज को अभी अपनी तरफ से क्या मान लूंगा, VI। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब है इस टर्मिनल का वोल्टेज भी हमने क्या मान लिया, VI, राइट। तो जो वोल्टेज इस टर्मिनल पर है वही सेम इस टर्मिनल पर होगा। एक बात और क्लियर रखें, ये जो बात है जो मैं आपसे बोल रहा हूं AOL बराबर इनफाइनाइट, ये इस टर्मिनल के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज हम सेम बना दें। मैं बातें कहां कर रहा हूं नोटिस करो, हम ऑप एम्प के इंटरनल टर्मिनल की बात कर रहे हैं और इंटरनल टर्मिनल किस पर वैलिड है, VID। बी क्लियर, वर्चुअल शॉर्ट का मतलब VID बराबर जीरो, और VID का मतलब इस टर्मिनल के वोल्टेज को मैं क्या मानता था, बोलो V+। इस टर्मिनल के वोल्टेज को मैं क्या मानता था, V-। तो V+ और V- का अंतर किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब V+ ही किसके बराबर होना चाहिए, V-। अब ध्यान से देखो, क्या प्लस पर सीधे वोल्टेज अप्लाई है, VI। अगर इनपुट वोल्टेज प्लस पर अप्लाई है तो V- का मान पता करना है। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या यहां से V- का मान हम सीधे बोल सकते हैं कि V- का मान, ये जो V- है, इस V- का मान
ये वाला V प्लस ही हो जाएगा, दैट इज V प्लस बराबर V माइनस पर V प्लस का मान कितना पता है VI, सो दिस इज V माइनस V कितना हो गया VI, राइट, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट, राइट। अब अगर मुझे ये पता है स्टूडेंट्स, तो बहुत बेसिक सी बात है, नेटवर्क अपन बहुत ज्यादा बेसिक्स पर क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसके अलावा जिन्होंने नहीं भी किए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है नेटवर्क की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है, मैं फिर से बोल रहा हूं आप प्रॉपर उसको करें और मेरा प्रॉमिस है हर सब्जेक्ट में उसका आपको फायदा मिलेगा, राइट। अगर आपने हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट की तो ये मेरा आपको फंडामेंटल प्रॉमिस है स्टूडेंट्स, केवल और केवल ऐसा नहीं होगा कि आपको बीडब्ल्यू में फायदा होगा, उसी से आपको पावर सिस्टम में फायदा होने वाला है, उसी से मशीन में फायदा होने वाला है, उसी से मेजरमेंट में फायदा होगा, उसी से डिवाइस एनालॉग हर सब्जेक्ट में फायदा होगा, राइट। ये मेरा आपको प्रॉमिस है और हम उस पर कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे, आप देख रहे हैं हम लोग बहुत प्रॉपर उसमें डिटेल वर्जन पर जा रहे हैं, राइट। वहां जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग करा रहे हैं, पहले आपको केवल कॉन्सेप्ट्स दी जा रही हैं और कॉन्सेप्ट्स के बाद क्वेश्चंस थ्रू आउट हर बुक के सारे क्वेश्चंस वहां कराए जाएंगे, आपका माइंड वहां से ओपन होगा, तो प्लीज एक बार वहां से स्टूडेंट जरूर लेक्चर्स को कैरी करें, आपको फायदा होगा। अब चलिए मैं वापस आता हूं यहां पर, इस नोड से देखो मैं करना क्या चाहता हूं, मुझे इस वी नोड और इस वी आई में रिलेशन निकालना है, तो VI तो फीडबैक पर नहीं था लेकिन ये वाला VI ही कहां था, इस पॉइंट पर बनने वाला वोल्टेज, तो इसका और इसका रिलेशन कब निकाल सकते हैं, जब स्टूडेंट्स यहां इस जंक्शन पर मैं KCL लगा दूं, तो देखो इस पर्टिकुलर नोड पर, देखो इधर इस पर्टिकुलर नोड पर, ये जो पर्टिकुलर नोड है, अगर इस पर्टिकुलर नोड पर KCL हम परफॉर्म कर दें, क्या परफॉर्म कर दें, KCL लगाने का तरीका आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से किसी भी दिशा में धारा मान सकता हूं, मैं फ्री हूं, मैंने मान लिया एक करंट बाहर की तरफ I1, एक करंट बाहर की तरफ I2, तो दो करंट अपन मान सकते हैं, तीसरी करंट यहां जो है वो जीरो है, राइट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई करंट नहीं जा रही, तो इसका मतलब है आप यहां पर अगर इस पर्टिकुलर नोड पर KCL लगाएं, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट नोड वन, मान लो नोड वन पर अपन KCL लगा रहे हैं, ये जो KCL लगा रहा है नोड वन पर लगा रहे हैं, तो यहां बहने वाली धारा क्या है, I1 बाहर की तरफ, I2 भी बाहर की तरफ, ये वाली धारा जीरो है, तो I1 प्लस I2 बराबर जीरो। अच्छा अपन चेक करें I1 का मान कितना है, तो देखो स्टूडेंट्स I1 का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, इस पॉइंट पर बनने वाला वोल्टेज VI है। अच्छा ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये VI आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, मैंने क्या बोला, किसी भी आइडियल ऑप एम्प पर जब हम निगेटिव फीडबैक में यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है जो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है वही किसका वोल्टेज है, इन्वर्टिंग का, तो नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज कितना था VI, तो यहां भी कितना वोल्टेज हो जाएगा VI, राइट। अब देखो इस VI के साथ एक प्रतिरोध लगा है R1 और यहां है ग्राउंड, आप I1 का मान लिखना चाहते हो, देखो स्टूडेंट्स यहां सिंपली I1 बराबर ये वाली धारा किसके बराबर होगी, विभवांतर बटे प्रतिरोध, यहां से VI माइनस जीरो डिवाइड बाई R1, क्लियर। इसी तरह दूसरी करंट देखो, I2 का मतलब मुझे दो नोड के पोटेंशियल चाहिए, इस पर्टिकुलर नोड और यहां से फिर इस पर्टिकुलर नोड, यहां पर्टिकुलर नोड पर वोल्टेज V0 है, तो देखो जरा ये वाला पॉइंट VI है और यहां प्रतिरोध RF है और यहां वोल्टेज V0 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से करंट I2 का मान कितना होगा, तो बोलो I2 की वैल्यू यहां से क्या होगी, धारा I2 VI से इस तरफ जा रही है, इसका मतलब विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभव में अंतर, जहां से धारा बहेगी वो हायर पोटेंशियल, जहां पर जाएगी वो लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा हायर से लोअर को घटा देंगे, तो VI माइनस V0 डिवाइड बाई RF, राइट। तो यहां से I2 का मान पता चल गया, I1 का मान पता चल गया, पुट कर देते हैं, या मैं डायरेक्ट बोलूं अब I1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस वोल्टेज से इस वोल्टेज को माइनस करना, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो यहां हम लिख सकते हैं VI माइनस जीरो डिवाइड बाई R1 प्लस I2 का मतलब देखो, और यह डाउट नहीं कि सर यहां करंट क्या होगी, तो यहां तो करंट जीरो है, तो केवल और केवल अब I2 करंट है अपने पास, तो I2 का मतलब दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, और ये वाला पोटेंशियल कितना है VI, तो मैं लिख सकता हूं VI माइनस V0 अपॉन में प्रतिरोध कौन सा है RF बराबर जीरो। अब जरा चेक करो यहां वैल्यू है VI अपॉन R1, अगर मैं स्टूडेंट इसको अलग अलग भाग दे दूं तो मैं लिख सकता हूं VI अपॉन RF बराबर
या आपको लग रहा है वैसे ये माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, और फिर अगले स्टेप में मैं बाहर ले सकता हूं, चलो ऐसा ही लिख लो, माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहां वी आई अगर मैं एक साथ लिखूं तो कॉमन वी आई ले लिया तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर एफ, आपको दिख रहा होगा इन दोनों में वी आई कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया वी आई, तो एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर एफ आ गया। इसको इधर पक्षांतर किया स्टूडेंट्स तो ये वी नॉट अपॉन आर एफ आ गया, जिसको मैं पहले डायरेक्ट लिख रहा था। अब जरा चेक करो, अगर अपन यहां एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर ये आर वन आर एफ है, यहां आर वन आर एफ मल्टीप्लाई में आ गया, आर वन के साथ क्या बचा आर एफ, तो ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी अंश पे आर एफ, प्लस आर एफ के साथ अब क्या बचा आर वन, और यहां वैल्यू क्या थी वी आई बराबर वी नॉट अपॉन आर एफ। अब जरा चेक करो स्टूडेंट्स, दोनों तरफ आर एफ है तो क्या आर एफ आर एफ आपस में कैंसिल होंगे, और अगर दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो स्टूडेंट मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था मैं इंटरेस्टेड किस पर हूं, क्लोज लूप गेन, और ये क्लोज लूप गेन का मतलब है वी नॉट अपॉन वी आई, तो ACL बराबर V नॉट अपॉन VI चाहिए, तो इसका मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है इस V नॉट और इस VI का अनुपात निकालने की। अगर मैं स्टूडेंट इसका अनुपात निकालूं तो जरा चेक करना, ये डाटा मैं हटा देता हूं, ये आप देख चुके हो, अगर मैं यहां पर इस डाटा को अब यूज करूं तो देखिए मेरी रिक्वायरमेंट है क्लोज लूप गेन की, ठीक है, तो क्लोज लूप गेन That should be ACL बराबर क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, सो दिस शुड बी वी नॉट अपॉन वी आई। जरा चेक करो स्टूडेंट, सभी बोर्ड पर देखो, वी नॉट में हमने वी आई का भाग दे दिया तो बचा क्या अपने पास, आर एफ प्लस आर वन अपॉन आर वन, आर एफ प्लस आर वन अपॉन आर वन, अलग अलग भाग दे दो, इसका मतलब आर एफ बाई आर वन प्लस आर वन बाई आर वन, अदरवाइज इसी को हम बोल सकते हैं क्लोज लूप गेन बराबर आर वन अपॉन आर वन का मतलब वन प्लस आर एफ बाई आर वन, राइट, तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आप सिंपली केसीएल लगाकर सॉल्व कर सकते हो। अभी हमें स्टेप ज्यादा लग गए है ना, दो तीन स्टेप अपन ने ये जो लिखे है अभी हमें ऐसा लग रहा है ये एक्स्ट्रा स्टेप है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद हम सीधे वीडीआर लगाकर ये वाले वी नॉट को सीधे यहां पर लिख सकते हैं, वी नॉट इनटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो डायरेक्टली हम ये इस पॉइंट पर वोल्टेज पता कर सकते हैं, अभी धीमे धीमे करेंगे है ना, ये बातें भी हम डायरेक्ट लिखना वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि आप डायरेक्ट अभी केसीएल कैसे लगा रहे हो, और केसीएल लगाकर जो आंसर आया आप रिकॉल करो, जो मैंने कंप्लीट मैथड से क्वेश्चन कराया था उसका आंसर भी सेम था, कंप्लीट मैथड का आंसर क्या था मैंने रब कर दिया, जरा चेक करना, ACL बराबर मैंने बताया था 1 प्लस आर एफ बाई आर वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन AOL, फिर यहां 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, राइट, यही फाइनल आंसर था। अब जरा चेक करो, मैं बाद में रखता AOL का मान अनंत, लास्ट में मैं इस वैल्यू का मान अनंत रखता, अगर मैं स्टूडेंट लास्ट में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखता तो बताओ 1 अपॉन अनंत का मतलब 0, 0 इंटू समथिंग 0, फिर 1 प्लस 0 तो 1 बचता, तो आंसर फाइनली क्या बचता अपने पास 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, तो आना तो यही है, लेकिन स्टूडेंट्स वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से चीजें आसान हो गई, सीधे ये वाला वोल्टेज कहां पहुंच गया, ये वाला वोल्टेज, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज सीधे इन्वर्टिंग पर पहुंच गया, और सिंपल अपन ने एक स्टेप में केसीएल लगाकर आंसर निकाल लिया, और फार्मूला और बाकी चीजें याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग केसीएल लगाकर आंसर कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है वर्चुअल शॉर्ट, और वर्चुअल शॉर्ट लॉजिक अगर आप लगाते हैं स्टूडेंट्स तो केसीएल लगाकर आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये बेसिक बात हो गई, दूसरी बात देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्चुअल शॉर्ट लगा दिया, इंपॉर्टेंट यहां ये है कि वर्चुअल शॉर्ट कहां नहीं लगा सकते, ये तो अपन तो सिंपली लगा दिया हमने, प्रॉब्लम ये स्टूडेंट्स 99% केसेस में वर्चुअल शॉर्ट लगेगा, लेकिन जो 1% केस है जहां पर वर्चुअल शॉर्ट वैलिड नहीं होगा वो भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें वर्चुअल शॉर्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन अपने को याद हो चुका है यार ये वाला पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर होता है, हम ब्लाइंडली क्या करेंगे इस पोटेंशियल को इस पोटेंशियल के इक्वल कर देंगे, तो उस गलती से बचने के लिए अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स भी बनाने हैं, राइट, तो मैं एक एक करके कुछ स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं, इनको समझेंगे आप, मैं बाद में इसको प्रॉपर वे में लिखवा दूंगा, राइट, अभी आपको यह समझना है कि यह मैथड कैसे लगा रहे हैं अपन, वो आपने देख लिया है मेथड कैसे एग्जीक्यूट करना है,
अब मैं स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूं कि कहां कहां वर्चुअल शॉर्ट वैलिड नहीं होगा, राइट। एक एक करके मैं चीजें आपको बता रहा हूं। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। और इस कॉन्सेप्ट के बाद अब मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं कि ये कहां वैलिड नहीं है, इसको भी जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस मैं आगे लूंगा इसके। अभी देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर, मेरी बातों को जरा अंडरस्टैंड करना, अगर मैं आपसे बोलूं कि कहां कहां वर्चुअल शॉर्ट वैलिड नहीं है, एक एक करके हम समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो पहली बात, जो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वर्चुअल शॉर्ट, ये वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी, ये बातें भी हमें प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो दैट हम प्रॉपर वे में चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। और मुझे मालूम है आप फर्स्ट क्लास से सोचते हैं कि सर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप पढ़ा दीजिए, राइट। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग, क्योंकि ये बहुत आसान लगता है कि यार बेसिक नेटवर्क लगाई आंसर आ गया, लोगों को पता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, बस ब्लाइंडली कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आ गए, अच्छा लगता है। लेकिन जहां चीजें फंसना स्टार्ट होती है, फिर वहां हमें दिक्कत जब आती है, तो हम सोचते हैं यार कुछ कॉन्सेप्ट में कमी रह गई, कुछ दो चार क्वेश्चन अभी हमसे नहीं हो रहे। तो उन चीजों को समझने के लिए पहले ही आपको स्टूडेंट्स प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो देखो अब जरा मैं क्या बोल रहा हूं, जरा मेरी बात को नोटिस करना। हमने एक कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ा स्टूडेंट्स, राइट, एक कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ा। मैंने बोला ये वी नॉट है, ये माइनस है, ये प्लस है, से दिस इज प्लस वीसीसी, दिस इज माइनस वी डबल ई, राइट, दिस इज वी प्लस, दिस इज वी माइनस, राइट। और इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में बनने वाला वोल्टेज क्या है, वीआईडी, राइट। अब जरा समझना, ये मान लो मेरे पास एक सर्किट है, क्या इसमें कोई फीडबैक लगा है? नहीं लगा, राइट, फीडबैक नहीं लगा। और इस पर ओपन लूप गेन भी कितना दिया है, इंफाइनाइट, ओपन लूप गेन भी कितना लिखा है, इंफाइनाइट। अब मेरी बातों को जरा समझना, कहां पर हम लोग वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, पहले समझना स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला आपसे वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट के लिए कि AOL का मान इंफाइनाइट, राइट। देखो प्रॉब्लम क्या है, AOL बराबर इंफाइनाइट की जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो V माइनस और V प्लस के साथ मैंने सर्किट पर बोला होता, इस सर्किट पर मैंने बोला होता ये माइनस है, ये प्लस है, ये V नॉट है, यहां AOL इंफाइनाइट है, से दिस इज प्लस VCC, दिस इज माइनस वी डबल ई, राइट, इनकी कुछ वैल्यू है, से दिस इज प्लस 15, दिस इज माइनस 15। अब जरा समझना, ये प्लस वाला ग्राउंड टर्मिनल है और ये जो वी माइनस है इसकी कुछ वैल्यू है अपने पास, मैं मान लेता हूं ये वैल्यू है 1 मिली वोल्ट, ठीक है। मैंने आपसे बोला तो आप इसका आंसर बताओ, पहली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया स्टूडेंट्स, ये जो ऑप एम्प है अगर इसका आपको आंसर पता करना है तो आप क्या लॉजिक लगाते थे अभी तक, V नॉट बराबर AOL इंटू VID, आज तक मैंने यही पढ़ा है। AOL की वैल्यू क्या है, इंफाइनाइट, VID का मतलब क्या होगा, V प्लस माइनस V माइनस, जरा समझना, इंफाइनाइट बहुत हाई गेन है, इंटू V प्लस की अगर मैं बात करूं तो V प्लस मेरे पास कितना है यहां पर वोल्टेज, जीरो है, V प्लस जीरो है, माइनस V माइनस की अगर मैं बात करूं तो इन्वर्टिंग पर कितना वोल्टेज है, माइनस का 1 मिली वोल्ट, राइट। तो 0 माइनस 1 मिली वोल्ट का मतलब है माइनस 1 मिली वोल्ट, और जब इंफाइनाइट से गुणा करूंगा तो ऑप एम्प कहां पहुंच जाएगा, सैचुरेशन पर, और सैचुरेशन पर जाकर ऑप एम्प रिस्ट्रिक्ट करेगा अपने सप्लाई वोल्टेज पर, सप्लाई वोल्टेज इसका कितना है, प्लस 15 और माइनस 15, तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है प्लस में, माइनस में, तो इसका मतलब ये कहां जाकर सेट कर जाएगा, माइनस 15, तो इसका जो वी नॉट आएगा वो कितना आएगा, माइनस 15 वोल्ट, या मैं बोल सकता हूं इसका आंसर आएगा माइनस वी सेट। अब मुझे बताओ, मैंने बोला तो इसको माइनस वी सेट अभी तक पढ़ाया भी है, लेकिन आज जो मैंने पढ़ाया उससे क्या लगा कि यार माइनस वी सेट तो इसका आंसर था, लेकिन अगर मैं ये बात यहां भी सोचूं वर्चुअल ग्राउंड की, देखो एक बार, AOL बराबर वी नॉट अपॉन वी आई डी, राइट, पहला डाउट क्या होता है,
मुझे स्टूडेंट्स एओएल इनफाइनाइट कब मिलेगा, जब वीआईडी की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो मुझे ऐसा लगता है वीआईडी बराबर वी नॉट अपॉन एओएल, और वी नॉट अपॉन एओएल पर जब मैं समथिंग अपॉन इनफाइनाइट रखूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। और अगर ये वैल्यू जीरो हो गई, अगर ये वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब वी माइनस बराबर जीरो, या वी प्लस बराबर क्या होना चाहिए, वी माइनस, राइट। तो इसका मतलब है वी प्लस बराबर वी माइनस होना चाहिए, और वी प्लस बराबर वी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है, राइट। तो इसका मतलब आप कभी भी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज पता होते हैं, और अगर दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज पता है सो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड, क्योंकि स्टूडेंट ये वोल्टेज अलग है, ये वोल्टेज अलग है, इसीलिए हम लोग लाइन लिखवाते हैं ऑप एम्प एज ए ओपन लूप वर्क्स एज ओपन लूप में बिना फीडबैक के, ये कंपैरेटर की तरह काम करता है, इसका आउटपुट या तो प्लस वी सेट होगा या तो माइनस वी सेट होगा, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर वैलिड नहीं होगी। इसलिए याद रखें, कभी भी आप जब तक फीडबैक सिस्टम में नहीं है, जब तक फीडबैक सिस्टम में नहीं है स्टूडेंट्स, तब तक इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑप एम्प आउटपुट पर क्या देगा, सैचुरेशन, या तो प्लस वी सेट या तो माइनस वी सेट, क्योंकि आपको दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज पता है, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, जीरो, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, वन मिली वोल्ट, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब कभी भी ओपन लूप के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते, पहली बात, यह बात दिमाग में रखनी है स्टूडेंट्स। ओपन लूप के साथ हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के साथ कभी भी वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। कई बुक्स में देखो, कई बुक्स में जब हम लोग पढ़ते समय ऐसा देखते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड का मतलब ये दोनों टर्मिनल्स का सेम होना है, यहां जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इस फिगर को वहां नहीं बनाया, ध्यान दो, जब मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है तो मैंने इस फिगर को लिया ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हम वही लगा सकते हैं जहां फीडबैक सिस्टम हो। तो पहली रिक्वायरमेंट, फीडबैक होना मस्ट है, विदाउट फीडबैक ये वाला सिस्टम कैसा वर्क करेगा, एज ए कंपैरेटर। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम ओपन लूप पर एज ए कंपैरेटर सर्किट की बात कर रहे हैं। पहली लाइन में बोल सकता हूं ऑप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन बिहेव्स एज कंपैरेटर सर्किट। कंपैरेटर का मतलब क्या है, दो इनपुट्स को कंपेयर करना, ये केवल और केवल कंपैरिजन कर रहा है स्टूडेंट्स, या तो आउटपुट प्लस वी सेट देगा या तो आउटपुट माइनस वी सेट देगा। इसका मतलब है ये चेक कर रहा है कि मेरा ये वाला टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा है या ये वाला टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा है, इन दोनों में जो बढ़ा होगा उसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट आएगा। तो पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए, जो भी वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कभी भी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वैलिड नहीं है, राइट। दूसरी बात, अब जो मैंने बात कही कि आप जिस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट और सेकंड पार्ट पर कहां वैलिड नहीं होगी, तो मान लो मैंने आपसे बोला, देखना जरा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, इसके बाद ये स्टूडेंट छोटे छोटे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में चलते रहते हैं कि सर अभी तक तो हम लोग ऐसा कर रहे थे, अभी तक भी हमारे पास आइडियल ऑप एम्प था, तो आइडियल ऑप एम्प था, बिल्कुल था डियर, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, आइडियल ऑप एम्प होने के बावजूद जब भी दो अलग अलग टर्मिनल्स के इनपुट डिफाइन है, इसका मतलब ये अलग वोल्टेज है, ये अलग वोल्टेज है, दोनों का अंतर पता करेगा कि V प्लस का वोल्टेज ज्यादा है या V माइनस का, उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। तो ये कैसी वर्किंग कर रहा है, एज ए कंपैरेटर। दूसरी बात, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि एक ऑप एम्प है, राइट, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर निगेटिव फीडबैक भी लगा हुआ है, ठीक है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इस पर फीडबैक भी लगा है, वो भी निगेटिव फीडबैक, राइट। तो निगेटिव फीडबैक के साथ जब मैं इस बार सॉल्यूशन देखता हूं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो जरा, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर
यहां आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है, यहां माइनस, यहां प्लस, से दिस इज अगेन प्लस वीसीसी, दिस इज माइनस वी डबल ई, जो भी था यहां माइनस पर फिर से फीडबैक रजिस्टर आरएफ लगा हुआ है, राइट right? ये वैल्यू है आरएफ, यहां वैल्यू है आर वन और यहां है ग्राउंड, ठीक है। अब मैं बात करूं इस प्लस टर्मिनल की, तो इस प्लस टर्मिनल पर अपने पास लगा हुआ है वीआई, ठीक है। अब जरा समझना स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला ओपन पर ये टर्म लिख दी है, ध्यान से देखना, ओपन पर मैंने लिख दिया कि ए का मान है 10, ए का मान है 10 और ये ए है ओपन लूप गेन। अब बहुत ध्यान से नोटिस करना स्टूडेंट्स, अभी तक मैं कह रहा था जो भी ओपन है अपने पास वो कैसे है आइडियल, अब यहां इस ओपन पर ओपन लूप गेन कितना दे दिया मैंने 10, और जब भी स्टूडेंट्स ओपन लूप गेन 10 है इसका मतलब आइडियल ओपन पर गेन इंफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन यहां एओएल का मान कितना है 10, तो बताओ स्टूडेंट्स क्या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड होगी नहीं वैलिड होगी। फिगर सेम दिख रहा है, देखो फीडबैक लगा है, यस लगा है, निगेटिव फीडबैक है, यस है, आउटपुट का पोर्शन निगेटिव फीडबैक हो रहा है, यस निगेटिव फीडबैक भी है, फीडबैक निगेटिव भी है और निगेटिव फीडबैक के साथ आइडियल ओपन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में AOL बराबर क्या लिखा है 10, और AOL बराबर 10 लिखने का मतलब कि जब भी ओपन का गेन क्वेश्चन में इफ ओपन हैविंग फाइनाइट गेन, क्या दिया है स्टूडेंट्स फाइनाइट गेन, फाइनाइट का मतलब निश्चित मान, राइट right? अगर अनंत मान ना देकर इफ ओपन हैविंग फाइनाइट गेन, और इसी को हम बोल रहे हैं ओपन लूप गेन, ठीक है, ओपन लूप गेन फाइनाइट दिया है, देन वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड, तब स्टूडेंट्स हम लोग वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। देखो AOL बराबर था वी नॉट अपॉन वी आई डी, आप नोटिस करो मुझे वी आई डी की वैल्यू पता करनी है, तो वी आई डी बराबर वी नॉट अपॉन AOL होगा। अब बताओ वी नॉट अपॉन AOL कितना दिया है क्वेश्चन में 10, अगर ये वी नॉट बाई 10 है स्टूडेंट्स वी आई डी, तो बताओ वी आई डी का मतलब है वी प्लस माइनस वी माइनस बराबर वी नॉट बाई 10, क्या है स्टूडेंट्स V प्लस और V माइनस का अंतर चाहिए V नॉट बाई 10, क्या ये जीरो है इस बार, नहीं है, अगर मेरे पास वी आई डी जीरो नहीं होगा तो क्या वर्चुअल शॉर्ट वैलिड है, V प्लस और V माइनस का अंतर जीरो के बराबर आ रहा है क्या स्टूडेंट, नहीं है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां लिखा हो कि ओपन का ओपन लूप गेन बहुत पुअर है, बहुत कम है, फाइनाइट है, कुछ हजार है, कुछ सौ है या 10 है, तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशंस पर पूरे का क्लोज लूप गेन निकालते समय, आउटपुट और इस इनपुट का रिलेशन निकालते समय कौन सी कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगी, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पर आप इस वोल्टेज को डायरेक्ट इस टर्मिनल पर नहीं ले जा सकते, यह कॉन्सेप्ट फिर से वैलिड नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जैक्ट मेथड से ही करना होगा जैसा मैंने पहले बताया था आपको, पहले बताने का मतलब मैंने स्टूडेंट्स आपको एग्जैक्ट मेथड इसके थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जहां फॉर्मूला निकल कर आया था 1 प्लस आरएफ बाई आर वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एओएल 1 प्लस आरएफ बाई आर वन, उस पर आप वैल्यू पुट कर देंगे सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ आरएफ और आर वन के मान भी दिए होंगे, राइट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आपको फिर से क्या लगाना होगा, एग्जैक्ट मेथड। अभी मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे करेंगे, मैं भी करवाऊंगा, अभी मैंने आपको हिंट दिया कि मैं इसको करवा भी चुका हूं, एक बार अभी फिर से करवाऊंगा। पहले आप यह तो समझ जाएं कि मैं किन चार बातों को आपसे यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहला मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, बात समझ चुके हैं सभी लोग, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट ओपन लूप पर वैलिड नहीं है, ओपन लूप पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर दो सिग्नल्स को तुलना करने वाला है, राइट। नेक्स्ट, निगेटिव फीडबैक पर वर्चुअल शॉर्ट वैलिड है, पढ़ाया मैंने, लेकिन कहां वैलिड नहीं है, जब इसका गेन कोई फाइनाइट हो जाए, अनंत ना हो। और एक डाउट कई बार स्टूडेंट्स कर जाते हैं, बोले सर गेन फाइनाइट, ध्यान देना स्टूडेंट्स ये जितनी बातें मैं आपसे बोल रहा हूं सब अंदर वाले एम्पलीफायर की बात हो रही है,
और ये जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वी नॉट अपॉन वी आई, ये कंप्लीट निगेटिव फीडबैक के साथ बन रहा है, क्लोज लूप के साथ बन रहा है। तो ये जो हमारा डिस्कशन है वो किस पर है? ओपन लूप पर। तो ओपन लूप गेन यहां कितना है? 10, राइट। तो ओपन लूप गेन अगर 10 है स्टूडेंट्स, तो ये वाली कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगी वर्चुअल सॉर्ट की, तब स्टूडेंट्स हमें एग्जैक्ट मेथड लगाना होगा। अब सोचो अगर मैं कभी भी आपसे कहता हूं कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, राइट, तो एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो भी अपन पढ़ रहे हैं इसमें यह गलती नहीं करनी, यह गलती हमें नहीं करनी। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा है, मैं आपको लॉजिक बताऊं, नंबर ऑफ टाइम्स, ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाते समय, ये थर्ड पॉइंट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाते हुए एक मिस्टेक करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर स्टूडेंट्स लास्ट वाला सर्किट था, यहां स्टूडेंट्स माइनस, यहां प्लस, यहां पर ये वी नॉट है। अब इसके बाद फीडबैक पर जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू आरएफ है, सीरीज पर जो रजिस्टर है इसको हमने आर वन दे रखा है वैल्यू, और ये ग्राउंड था। इसके बाद यहां मैंने स्टूडेंट्स वी आई लगा रखा है, राइट। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, मैंने बोला स्टूडेंट्स ऑपम में कुछ ना बोला गया हो तो हम क्या मानकर चलते हैं? आइडियल। आइडियल ऑपम पर बार बार इनपुट रजिस्टेंस इनफाइनाइट, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, राइट, दोनों कंडीशन को हम यूज कर लेते थे। हमारा पहला मोटो क्या होता था कि इस पर कोई करंट नहीं जाएगी तो करंट की वैल्यू जीरो। दूसरा हम क्या करते थे, इस वोल्टेज को इस वोल्टेज के इक्वल कर लेते थे। तो स्टूडेंट सबसे पहले यह याद रखना, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट इज वैलिड विद, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट इज वैलिड विद, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट इज वैलिड विद इंटरनल टर्मिनल्स ऑफ ऑपएम, इंटरनल इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपएम। इसका मतलब, हालांकि ये बात लिखाने वाली नहीं होती लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा है स्टूडेंट्स वर्चुअल, देखो पहली बात तो निगेटिव फीडबैक है, मैंने कहा जब भी निगेटिव फीडबैक होगा तो वर्चुअल शॉर्ट लग जाएगा, बसरते ओपन कैसा होना चाहिए? आइडियल, जिसका गेन कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट, राइट। अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है और निगेटिव फीडबैक है तो इसका मतलब वर्चुअल शॉर्ट मस्ट है लगना। लेकिन सोचो स्टूडेंट्स अगर यहां वी आई, बहुत ध्यान से देखना जरा, वी आई मैं बोलूं वर्चुअल शॉर्ट लगाओ यहां, तो वी आई को इस पॉइंट के इक्वल होना चाहिए या वी आई को इस पॉइंट के इक्वल होना चाहिए? हम हमेशा इन दोनों टर्मिनल, ये जो ओपन के इंटरनल इनपुट टर्मिनल है, इनके वोल्टेज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कभी भी इस वोल्टेज से इस वोल्टेज का कोई रिलेशन नहीं बनाते, बी क्लियर। तो इसका मतलब ये जो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल कहां वैलिड है स्टूडेंट्स? इंटरनल इनपुट टर्मिनल्स का पोटेंशियल आपस में सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोलता हूं इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए और इन दोनों के बीच के अंतर को ही बोलते हैं वी आई डी। इसका मतलब वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट किसके साथ वैलिड है स्टूडेंट्स? इंटरनल इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ओपन। सो दैट्स वाई वी आई डी तभी जीरो होगा जब वी प्लस माइनस वी माइनस बराबर जीरो होगा या वी प्लस किसके बराबर होगा? वी माइनस। तो ये बातें किसकी हो रही है स्टूडेंट्स? इस टर्मिनल और इस टर्मिनल की, राइट। एक लास्ट बात, अगर मैं केस फोर की बात करूं तो देखो हमने ये तो देख लिया कि निगेटिव फीडबैक है और ओपन अगर आइडियल है तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड है, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक होता, कैसा फीडबैक होता है स्टूडेंट्स? अभी देखो क्या हो रहा है, आउटपुट का कुछ पोर्शन जो हम फीडबैक कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? निगेटिव के साथ, मतलब निगेटिव फीडबैक, राइट। अगर यही बात मैं पॉजिटिव के साथ करता, इसका मतलब आप ऐसे समझें, अगर मैंने यहां पर इस बार कुछ ऐसा लॉजिक लिया होता जैसे मैं ऐसा बोलूं आपसे कि आप यहां पर
इस तरह से डाटा देख रहे होते, बहुत इजी वे में सुनना है स्टूडेंट्स, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस में आपको अलग अलग कराऊंगा। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिस पर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है, से दिस इज माइनस दिस इज प्लस, राइट, और इस बार आपने इन्वर्टिंग पर कोई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, राइट, यहां फिर से वही प्लस वीसीसी, यहां माइनस वी डबल ई, और यहां से मैं एक फीडबैक ला रहा हूं, ये आरएफ है, ये वाला रेजिस्टेंस आर वन है और ये ग्राउंड है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस बार आउटपुट के कुछ पोर्शन को फीडबैक किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और जब मैं पॉजिटिव पर फीडबैक करूंगा तो देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये फीडबैक कैसा हो गया, इस बार पॉजिटिव फीडबैक, आउटपुट के पोर्शन को पॉजिटिव पर हम ले गए, तो पॉजिटिव पर ले जाने का मतलब फीडबैक कैसा है, पॉजिटिव फीडबैक, और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो देखो स्टूडेंट्स, हालांकि लिखा है एओएल क्या है, इन्फाइनाइट, आइडियल ऑप एम्प है जिसका गेन इन्फाइनाइट है, और ये यहां से पॉजिटिव फीडबैक हुआ, तो देखो दिक्कत क्या है, एक नॉर्मल सिस्टम, और ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल सिस्टम, आगे मैं पूरा फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, अभी केवल हिंट दे रहा हूं, जिस पर कोई सोर्स सिग्नल है वी ऑफ एस, एक समिंग पॉइंट है, और इस समिंग पॉइंट पर फीडबैक पर एक वोल्टेज आ रहा है जिसकी वैल्यू है वी ऑफ एफ, ठीक है, यहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका कोई ओपन लूप गेन है, और ओपन लूप गेन को ए ओ एल से दिखा रहा हूं। इसके बाद आउटपुट पर मैं वी नॉट चेक कर रहा हूं, वी नॉट का कुछ पोर्शन मैं फीडबैक से ले गया, फीडबैक समझ रहे होंगे सभी लोग, राइट, आउटपुट का कुछ पोर्शन मैं फीडबैक पर ले गया, और फीडबैक से मैं स्टूडेंट्स इसको समिंग पॉइंट पर ले गया, यहां जो समिंग पॉइंट है वहां साइन इस बार प्लस है, इस बार बातें समझना, जब ये प्लस है तो ओपन पर जो वोल्टेज जा रहा है वो कौन सा वोल्टेज था, वीआईडी, आप चेक करो ना, ओपन पर जिस वोल्टेज की हम बात करते हैं वो टर्मिनल वोल्टेज होता है, और वो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वीआईडी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस वीआईडी की बात कर रहा हूं तो जरा सोचो, वीआईडी बराबर क्या होगा, इस बार यहां से सोर्स वोल्टेज और यहां से फीडबैक वोल्टेज, तो वीएस प्लस वीएफ आ जाएगा, राइट, और जब ये वीएस प्लस वीएफ आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, वीएस प्लस वीएफ मिलाकर वीआईडी है, इसका मतलब जो इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज है वो बार बार इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है वीआईडी इंक्रीज करने का मतलब मेरे पास वापस से ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो बार बार जो मेरे पास इंक्रीमेंट होगा, इस पॉजिटिव फीडबैक का मतलब गेन की वैल्यू बार बार इंक्रीज करना, और अगर गेन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बताओ स्टूडेंट्स ये सिस्टम वापस से अनस्टेबल कंडीशन पर चला जाएगा, इसका मतलब इसका आउटपुट कहां चला जाएगा, सैचुरेशन पर, तो यहां वो लॉजिक हम नहीं लगा सकते जो किसमें लगा रहे थे, निगेटिव फीडबैक में, इसका मतलब ऐसे समझे आप, अगर यहां पर कोई निगेटिव फीडबैक होता, कैसा फीडबैक होता, निगेटिव, तो देखो स्टूडेंट्स निगेटिव फीडबैक पर वीआईडी, फिर से एक बार सुन लो, वीआईडी बराबर अब क्या होता है, यहां इनपुट का जो डिफरेंस वोल्टेज है, सोर्स आ रहा है, यहां से फीडबैक आ रहा है, ये जो फीडबैक आ रहा है ये घट रहा है, तो वीएस माइनस वीएफ होगा, और आप जानते हो एओएल को अनंत लाने के लिए वी नॉट अपॉन क्या होना चाहिए, वीआईडी, अनंत, ये अनंत कब आ सकता है, जब वीआईडी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जरा चेक करो, वीआईडी जीरो होने का मतलब वीएस माइनस वीएफ बराबर जीरो, या वीएस बराबर वीएफ, राइट, इसका मतलब यहां पर मेरे पास ये कंडीशन तो हो सकती है कि जो वीएस है और वीएफ है इसका अंतर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एग्री, जब इसका अंतर जीरो होगा तो हमारे पास कंडीशंस निकल सकती हैं, ये बात हो रही है निगेटिव फीडबैक, तो निगेटिव फीडबैक में तो ये लॉजिक पॉसिबल है, लेकिन आप सोचो अगर मेरे पास ये वीएस है और यहां स्टूडेंट्स यहां वी ऑफ एफ इस बार ऐड हो रहा है, इस बार ये ऐड हो रहा है, इस फिगर को मैं हटा देता हूं एक बार, अगर ये इस तरह से मैं बोलूं कि इस बार ये वैल्यू प्रॉपर इसमें ऐड हो रही है, ठीक है, देखो यहां था वी ऑफ एस, ये था समिंग पॉइंट, यहां था फीडबैक वोल्टेज, और इस बार ये वैल्यू प्लस हो रही है, पॉजिटिव फीडबैक की बात है, ओपन लूप गेन क्या है अपने पास, ए ओ
एल। यहां वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आउटपुट वोल्टेज। इसका कुछ पोर्शन किस में लेगा, फीडबैक में लेगा, फीडबैक रेशियो बीटा होता है, ये फीडबैक है। अभी पढ़ाया नहीं है तो अभी आपको केवल बेसिक पर बातें समझनी है, राइट। प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक में पढ़ाऊंगा आपको, पॉजिटिव फीडबैक के मल्टीवाइब्रेटर्स और ऑक्सीलेटर में क्या एप्लीकेशन है, अलग से कंप्लीट टॉपिक है स्टूडेंट्स, को प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी इतना समझो, यहां जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वीआईडी। आप बताओ वीआईडी का मतलब क्या होगा, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन पर जो वीआईडी बन रहा है वो क्या है, वीएस और वीएफ का एडिशन है, वीएस प्लस वीएफ। और आपको ओपन लूप गेन वी नॉट अपॉन वीआईडी पर, बताओ स्टूडेंट इसको लाना है अनंत, इसको अनंत तभी ला सकते जब ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। क्या Vs प्लस Vf जीरो हो सकता है, इट कांट बी पॉसिबल। और अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कौन सा कॉन्सेप्ट यहां वैलिड नहीं है, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड। तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड हियर, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड हियर। और जो मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसका मतलब यह था, जैसे जैसे ध्यान से सुनना, बार बार स्टूडेंट पॉजिटिव फीडबैक इस Vs में जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इस बार VID बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे Vs में Vf जुड़ेगा स्टूडेंट VID बढ़ता जाएगा, VID बढ़ता जाएगा, फर्दर आउटपुट बढ़ता जाएगा। और आउटपुट आप जानते हो आउटपुट की लिमिटेशन है, आउटपुट कैन नेवर एक्सीड मोर देन इट्स बाइसिंग वोल्टेज। तो स्टूडेंट फिर से क्या कंडीशन आ जाएगी, ऑपएम पर ये जो फाइनल जो हम आउटपुट देख रहे हैं, ये आउटपुट या तो प्लस सैचुरेशन में काम कर रहा होगा या तो माइनस सैचुरेशन में काम कर रहा होगा। सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव फीडबैक अगेन स्टूडेंट्स कंपैरेटर की तरह वर्क करेगा। सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव फीडबैक पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, वर्चुअल शॉर्ट। तो ये चार बातें जो मैंने आपको बोली है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर ये चार बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप जब आगे सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, राइट। तो इसलिए इन चार बातों का आप दिमाग में हमेशा पॉइंट बनाकर चले, मैंने एक एक करके चारों पॉइंट आपको समझाए हैं, राइट। ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं सबका मैं अलग अलग, ये चारों केस अलग अलग मैं न्यूमेरिकल्स लेके भी आपको समझाऊंगा जो जो बातें मैंने डिस्कस की हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्वेश्चंस बुक में लगाना स्टार्ट करते हो तो उसके लिए कम से कम दिमाग में इतने बेसिक पॉइंट्स रहे, ऐसा ना हो कि बिना वर्चुअल शॉर्ट के क्वेश्चन को आपने वर्चुअल शॉर्ट से लगा दिया, फिर आप मैच करोगे सर आंसर नहीं मैच हुआ, राइट। तो इसलिए कम से कम बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी मैं इतना बता दूं, ये जो पॉजिटिव फीडबैक है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे हम मल्टीवाइब्रेटर पढ़ेंगे और स्मिट ट्रिगर अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, पूरा ऑक्सीलेटर इस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऑक्सीलेटर और मल्टीवाइब्रेटर का टॉपिक पॉजिटिव फीडबैक पर पढ़ेंगे, राइट। अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो थी वर्चुअल शॉर्ट। तो स्टूडेंट वर्चुअल शॉर्ट का मैं एक छोटा सा और एप्लीकेशन लेता हूं जिससे आपको चीजें और प्रॉपर क्लियर हो। एक मैं अब इनवर्टिंग एम्पलीफायर बनाने जा रहा हूं, कैसा एम्पलीफायर, इनवर्टिंग। देखें जरा आप ध्यान से, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है, आज तो मैंने जो एम्पलीफायर लिया था वो नॉन इन्वर्टिंग था, मैं दोनों बातें अब आपको क्लियर करता हूं। जैसे अभी आपने और एक चीज और स्टूडेंट्स मैं आपको यहां थोड़ा सा ये चीज बोलूंगा, ये जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, देखो ये टेक्निकल वीडियो है, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं है या कोई म्यूजिक चैनल नहीं है, एजुकेशनल जितने भी वीडियोस होते हैं इनको आप प्रॉपर बफर करके देखें, रोक कर देखें, जहां आपको लगता है कि यार चीजें भी थोड़ा सा और एलिबोरेट करके समझनी है उसको प्रॉपर देखिए स्टूडेंट्स, वहां रोक कर देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स में चीजें नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स ये सब गायब हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल स्टडी को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है स्टूडेंट्स। और एक बार जब सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, मैं जब कभी सेवेंथ या एट्थ लेक्चर में हूं और मैं आपको समराइज कर रहा हूं चीजें, तो स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर क्लियरेंस मिलेगी कि यार ये चीज यहां पड़ी थी, ये चीज यहां पड़ी थी, और सारे डॉट्स को जब आप कनेक्ट करोगे तब एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देख रहे हो ओपन लूप बिल्कुल अलग था, ओपन लूप का मतलब एज ए कंपैरेटर निगेटिव फीडबैक यूज किया तो स्टूडेंट मोर स्टेबल सिस्टम बन गया, स्टेबल सिस्टम पर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड हो गया। पॉजिटिव फीडबैक में चले जाते फिर सिस्टम अनस्टेबल, फिर वो कंपैरेटर की तरह काम कर रहा होता। तो स्टूडेंट्स इसलिए अलग अलग तरह से इसके लॉजिक है स्टूडेंट्स। और जो मैंने पहले डिफिनेशंस बोली थी कि ऑपएम से जोड़ना घटाना गुणा भाग लॉग एंटी लॉग अवकलन समाकलन करना है, सब कुछ निगेटिव फीडबैक, क्योंकि सबसे स्टेबल सिस्टम होता है, सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा स्टूडेंट्स। इनपुट की जो वीआईडी की रेंज है लीनियर रीजन पे बहुत ज्यादा हम इससे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो मैं आगे जो अब डिस्कशन करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड इनवर्टिंग एम्पलीफायर। इनवर्टिंग एम्पलीफायर से पहले मैं स्टूडेंट्स एक आपको छोटा सा वर्ड यूज कर रहा हूं,
कि नॉन इन्वर्टिंग पर जो हमारे पास रिजल्ट आया था उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं थी। देखो आप, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन आया था, या चलो इसके साथ अब मैं कंपेरिजन में इसको लिख दूंगा। चेक करें, अब जिस कॉन्फ़िगरेशन को हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, राइट? कैसा कॉन्फ़िगरेशन है ये? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नाउ सी, देखो स्टूडेंट्स, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, सारे सिस्टम जितने भी अब मैं पढ़ाऊंगा, तीन चार लेक्चर अब आएंगे, जो भी हम कंटिन्यू करेंगे सब कुछ किस पर बेस्ड है? निगेटिव फीडबैक। नाउ सी, एक अपन ने ओपन लिया, ओपन पर फीडबैक सिस्टम कैसा है स्टूडेंट्स? निगेटिव। से दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज के साथ मैं यहां माइनस से एक फीडबैक दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ। इसके साथ सीरीज में एक प्रतिरोध लगा है आर वन, ठीक है? और देखो मैंने क्या किया, पिछले बार हमने इनपुट किस पर लगाया था? नॉन इन्वर्टिंग पर, तो उसका नाम क्या था? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस बार मैंने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया है स्टूडेंट्स, बी क्लियर, और इन्वर्टिंग पर, इन्वर्टिंग के एक्चुअल इनपुट टर्मिनल पर, एक्चुअल इनपुट टर्मिनल पर मैंने यहां क्या लगाया? वी ऑफ एस, सोर्स वोल्टेज। मुझसे पूछा गया कैलकुलेट क्लोज लूप गेन, तो इस पूरे का क्लोज लूप गेन क्या बनेगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन पूरे का आउटपुट अपॉन टोटल का इनपुट। तो हमने ये जो लिखा, हमारी जरूरत है इस समय वी नॉट अपॉन वी एस, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया है? आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प का मतलब क्या? दो बातें पता है स्टूडेंट्स, क्या दो बातें पता है? सबसे पहले आइडियल ऑप एम्प का मतलब आर आई बराबर इन्फानाइट, ए ओ एल बराबर इन्फानाइट। हाँ, एक चीज और, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है सर वो आर नॉट क्यों नहीं ले रहे, जरूरत नहीं पड़ रही। आर नॉट जीरो होने का मतलब बाई डिफॉल्ट क्या है? वी नॉट बराबर ए वी इंटू वी आई डी, लीनियर रीजन पर, मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स, तो यहां जरूरत नहीं पड़ रही आर नॉट की, कहीं कोई कैलकुलेशन वाली वैल्यू नहीं दी है। बाई डिफॉल्ट जब नहीं भी दिया तो हमें पता होना चाहिए आर नॉट क्या है अभी, जीरो। आर आई बराबर इन्फानाइट, ए ओ एल बराबर इन्फानाइट, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इन दो पॉइंट्स की जरूरत है। पहला क्या बताता है? आर आई बराबर इन्फानाइट का मतलब, फिर से बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, आर आई बराबर इन्फानाइट का मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस अनंत होने का मतलब इनपुट पर डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, तभी अनंत आ सकता है जब आई ऑफ आई क्या हो? जीरो। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको, इनपुट रेजिस्टेंस अनंत कब आ सकता है स्टूडेंट्स? जब ऑप एम्प के अंदर धारा कितनी जा रही हो? जीरो। तो सबसे पहला पॉइंट, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये देखते ही क्लियर होना चाहिए, आइडियल ऑप एम्प के अंदर कितनी करंट जा रही है? जीरो। टर्मिनल्स पर करंट कितनी दिखाएंगे? जीरो। इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जा रही। दूसरा पॉइंट, आदर्श ऑप एम्प का गेन कितना है? इन्फानाइट, ए ओ एल बराबर इन्फानाइट, और ए ओ एल का मतलब है आउटपुट वोल्टेज अपॉन, मैंने कहा था वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट कहां वैलिड है? वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट के इंटरनल टर्मिनल पर वैलिड है, वी आई डी। तो वी नॉट अपॉन वी आई डी, ए ओ एल पर, ए ओ एल अनंत कब बन सकता है? जब ये वी आई डी क्या हो जाए? जीरो। और वी आई डी जीरो होने का मतलब वी प्लस वी माइनस बराबर जीरो, या वी प्लस किसके बराबर होना? वी माइनस। इसी को क्या कहते हैं? वर्चुअल शॉर्ट। तो स्टूडेंट ये दो कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दो बातें अगर हमारे दिमाग में रहेगी तो कोई भी निगेटिव फीडबैक का क्वेश्चन सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, इजी वे में। पहले पता होना चाहिए कि यहां पर करंट कितनी जा रही है टर्मिनल से? जीरो। दूसरा, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, ध्यान से देखो सभी बोर्ड पर, मैंने यहां क्या देखा? वी प्लस बराबर वी माइनस। आप सभी बोर्ड पर देखिए, क्या वी प्लस वाला टर्मिनल इस बार ग्राउंड है? बिल्कुल फिजिकली ग्राउंड है, यहां वोल्टेज है जीरो वोल्ट। अब अगर ये ग्राउंड है और वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड है, निगेटिव फीडबैक, यस, सिस्टम में निगेटिव फीडबैक है, और ऑप एम्प का ये जो एम्पलीफायर है, अंदर जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, इसका गेन अनंत है, इसका मतलब अगर गेन अनंत है तो दैट मींस यहां वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड है। वी प्लस का वोल्टेज ही इस वी माइनस के वोल्टेज के बराबर होगा, तो इसका मतलब अगर यहां जीरो वोल्ट है स्टूडेंट्स, तो यहां का वोल्टेज भी कितना होगा? जीरो वोल्ट। दैट इज द लॉजिक। और इसके बाद कुछ नया नहीं है स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था मुझे इस वोल्टेज को इस वोल्टेज से रिलेट करना है, तो मैं स्टूडेंट केसीएल लगाकर इसको रिलेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर नोड पर किरचॉफ करंट लॉ की जरूरत है। इस पर्टिकुलर नोड पर अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ लगा दूं तो मेरे पास आंसर है। किरचॉफ करंट लॉ के लिए मैंने अपनी तरफ से करंट बाहर की तरफ मान ली, आप इनसाइड भी करंट ले सकते हैं, आउटसाइड भी करंट ले सकते हैं, मैंने दोनों करंट इस नोड से बाहर की तरफ मान ली, ये वाली I1, ये वाली I2।
क्या यहां कोई करंट जा रही है? नहीं जा रही। इसका मतलब अगर हम केसीएल अप्लाई करें, अप्लाई केसीएल, देखो जरा, अगर हम केसीएल अप्लाई करें, अप्लाई केसीएल एट नोड वन, एट नोड वन, अगर मैं इसको नोड वन पर केसीएल अप्लाई करूं तो देखिए एक धारा यहां जा रही है, एक धारा यहां जा रही है, तो इस नोड से दोनों धाराएं बाहर जा रही है, ये वाली धारा जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब I1 प्लस I2 बराबर जीरो। I1 का मान अगर मैं लिखना चाहूं, इस नोड का वोल्टेज कितना था स्टूडेंट? जीरो, तो इस नोड का वोल्टेज भी कितना हो गया? जीरो। फिर से देखो V प्लस बराबर V माइनस है, और आप जानते हो V प्लस का वोल्टेज कितना था नॉन इन्वर्टिंग का? जीरो। इसका मतलब V माइनस भी कितना हो जाएगा? जीरो। दैट इज द लॉजिक। इसका मतलब वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो यहां स्टूडेंट्स इस समय जब ये वोल्टेज जीरो था तो ये भी क्या हो गया? वर्चुअली, ध्यान रखना कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है कि कोई वायर है यहां कनेक्ट, ये क्या है? वर्चुअली, आभासी। हम एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि हमने मान लिया कि इस टर्मिनल का वोल्टेज इस टर्मिनल के बराबर है। ऐसा होगा, ऐसा होगा तभी तो स्टूडेंट्स हम लोग उस एनालिसिस को जो एग्जेक्ट कर रहे थे उसकी जगह कैसा यूज कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेट। हमने क्या कर दिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के वोल्टेज को इक्वल कर दिया, और आंसर दोनों से क्या आएंगे? सेम। मैं बाद में रिजल्ट रखूं या पहले रिजल्ट रखूं, तो इसलिए I1 प्लस I2 बराबर जीरो। I1 को जरा चेक करो, आप यहां से देख सकते हो, अभी समझाने के लिए इस लेक्चर में केवल ये बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये वाला वोल्टेज जीरो है, ये वाला वोल्टेज सोर्स है, यहां करंट आपको I1 है और इसका प्रतिरोध R1 है। तो बताइए धारा का मान, धारा I1 बराबर इस नोड से इस नोड पर जा रहे हैं तो हायर पोटेंशियल पर क्या लिखेंगे? जीरो। लोअर पर क्या है? Vs। तो जीरो माइनस Vs अपॉन R1। बी क्लियर? ये हमारे द्वारा एज्यूम डायरेक्शन है। इसी तरह I2 का मान अगर मैं लिखूं तो यहां आप देख सकते हैं I2 के लिए स्टूडेंट इस पॉइंट पर, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां स्पेस नहीं है, इस पॉइंट पर यह वैल्यू V0 है, यहां पर प्रतिरोध Rf है, और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो जीरो वोल्ट है, और आपको जो धारा लिखनी है I2 इसकी डायरेक्शन दिस है। तो बताओ I2 बराबर क्या है? I2 बराबर इस वोल्टेज से इस वोल्टेज का अंतर, तो जीरो माइनस V0 अपॉन Rf, राइट? तो आपको I1 भी पता चल गया और I2 भी पता चल गया। अब आप यहां I1 और I2 के मान लिख सकते हैं। तो I1 बराबर जीरो माइनस Vs अपॉन प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है? R1, प्लस I2 का अगर मैं मान पूछूं स्टूडेंट्स, तो I2 का मतलब क्या हो गया? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो जीरो माइनस V0 अपॉन में प्रतिरोध कितना है? Rf, राइट? बराबर जीरो। अगर मैं पक्षांतर कर लूं तो माइनस Vs अपॉन R1, ये माइनस में था बराबर में गया तो प्लस हो गया V0 अपॉन Rf। आप बताओ स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है क्लोज लूप गेन, मतलब पूरे सिस्टम का। तो क्लोज लूप गेन का मतलब है आउटपुट वोल्टेज अपॉन सोर्स वोल्टेज। देखिए जरा, आउटपुट वोल्टेज V0 है, सोर्स वोल्टेज Vs है, तो इस Rf को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं और Vs को इधर ले जाऊं तो इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट समझना, V0 अपॉन Vs का मतलब क्या हो जाएगा? V0 में अगर मैं Vs का भाग दूं तो Rf इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस साइन पहले से है तो माइनस Rf अपॉन R1, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोज लूप गेन। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? माइनस Rf बाई R1, राइट? इस एम्पलीफायर का नाम देखो, हेडिंग में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका नाम मैंने क्या लिखा है? इन्वर्टिंग। आप चेक करो क्या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज जीरो था, और इन्वर्टिंग वाले पर जब मैंने इनपुट लगाया तो इनपुट पर जो वोल्टेज लगाया आउटपुट पर जब वोल्टेज आएगा, देखो V0 बराबर माइनस Rf बाई R1 इंटू Vs, तो ये जो माइनस साइन है स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन बता रहा है 180 डिग्री फेस शिफ्ट, 180 डिग्री फेस शिफ्ट। पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई है तो वो कैसा आउटपुट आएगा? आउटपुट पर 180 डिग्री की फेस शिफ्ट आएगी। तो माइनस साइन केवल और केवल यहां क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? कि यहां पर जो आउटपुट आएगा उसमें 180 डिग्री फेस शिफ्ट आएगी। तो ऐसा एम्पलीफायर जिसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वैल्यू क्या है? जीरो, और इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई है, तो हमेशा इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई है और एम्पलीफायर कैसा कहलाएगा? अब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जबकि अगर मैं पिछला केस आपसे डिस्कस करूं, देखो
मैंने वहां पर एक लाइन बोली थी कि अभी आपको मैं पिछले फिगर से ये चीज रिलेट करूंगा, हालांकि ये मैंने सिंपल वे में आपको बताया है, आप समझ भी चुके होंगे स्टूडेंट्स की वर्चुअल शॉर्ट से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। अब मैं अगर यहां पर यह बात बोलूं कि लास्ट क्वेश्चन से यह चीज अब आप रिलेट करना, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो नॉन इन्वर्टिंग था लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था उस नॉन इन्वर्टिंग पर आपने सोर्स वोल्टेज लगा रखा था। देखिए एक बार मैं कंपेयर करता हूं, यह फिगर था आपके पास और इस फिगर पर यह आउटपुट वोल्टेज है, यहां माइनस यहां प्लस, और इस बार यहां सोर्स वोल्टेज था वीएस। निगेटिव फीडबैक पर सेम फिगर, यहां वैल्यू आरएफ थी फीडबैक प्रतिरोध, और इनपुट पर जो रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू आर वन है, यहां ग्राउंड था, राइट। तो अगर मैं अब बोलूं स्टूडेंट्स कि इस सर्किट पर, और फिर से वही बातें थी, एओएल समझाने के लिए मैं इन्फाइनाइट आर आई बराबर इन्फाइनाइट लिखकर चल रहा था, राइट। तो ये जो फिगर था, इस फिगर पर जब आपने आउटपुट लिखा था, देखो ध्यान से, नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई अभी क्लियर, और इन्वर्टिंग वाले पर इनपुट क्या है, जीरो, राइट। तो इन्वर्टिंग पर वोल्टेज जीरो था, नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई है, तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, जब नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई था तो मेरे पास ACL बराबर V0 अपॉन VS, या V0 यहां मैंने VI लिया था, एक ही बात है, बराबर 1 प्लस RF बाई R1 आएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा, कोई भी फेस शिफ्ट नहीं आएगी, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऐसा वर्जन कहलाएगा, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर नो फेस शिफ्ट मिलती है। तो ये एम्पलीफायर कैसा था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो मैंने आपको पहला पढ़ाया, और इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर नो फेस शिफ्ट, आउटपुट पर जो भी वैल्यू आ रही है इसमें कोई भी माइनस नहीं है बाहर, इसका मतलब इसका गेन 1 प्लस आरएफ बाई आर वन है, जबकि इस वाले पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लोज लूप गेन जो सॉल्व होकर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का आरएफ अपॉन आर वन। तो दोनों में फर्क क्लियर होना चाहिए, यहां माइनस साइन बता रहा है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और ये वाला कैसा है, नॉन इन्वर्टिंग, राइट। नॉन इन्वर्टिंग में जब भी आप सोर्स लगाएंगे तो एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और जब आप इन्वर्टिंग पर इनपुट लगाएंगे तो ये कैसा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग। कंडीशन क्या है, जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा तो नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल पर वोल्टेज जीरो, और जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा तो उस समय आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन पर मैंने आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग आज निगेटिव फीडबैक वर्जन बता दिया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आता है नंबर ऑफ टाइम्स, कई जगह स्टूडेंट्स देखते हैं मैंने जो डाटा यूज किया वर्चुअल शॉर्ट का, उसके साथ कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर वर्चुअल ग्राउंड वर्ड भी हमने कहीं सुना है। तो स्टूडेंट समझना, वर्चुअल शॉर्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसका एक हिडन पार्ट है वर्चुअल ग्राउंड। देखो इसका क्या मतलब है, इस वाले फिगर पर और उस वाले फिगर पर जरा बातें समझना। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब है निगेटिव फीडबैक, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड है। इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज है ये सेम वोल्टेज इस टर्मिनल पर पहुंच जाएगा, राइट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट, राइट। ये वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। ये वाला वोल्टेज इस पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब V प्लस पर जो वोल्टेज है वही V माइनस पर है, राइट। इसी तरह चल रहा है, इसी तरह अगर आप यहां देखें तो इस पॉइंट पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इश्यू था, देखो इस पॉइंट पर अगर मैं यहां बात करूं, फिर से समझना, मैं सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां वोल्टेज था जीरो वोल्ट, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज, देखो निगेटिव फीडबैक है, गेन इंफाइनाइट है, ये वाला वोल्टेज इस वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए, यहां वोल्टेज है कितना, जीरो। कॉन्सेप्ट ये भी क्या है, वर्चुअल शॉर्ट, लेकिन समझना ये जीरो है, क्या आपने कोई वायर लगाकर इसको जीरो किया है, नहीं, हमने माना है अगर ओपन लूप गेन इंफाइनाइट है तो वो तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के बराबर हो, और ये इस बार ग्राउंड था, तो ये वाला ग्राउंड भी कहां पहुंच गया, ऊपर। इसका मतलब अगर ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या पहुंच गया, जीरो। तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट में ही कौन सा वर्ड अब यूज हो गया, इस बार वर्चुअल ग्राउंड। इसका मतलब इस बार
ये जो टॉपिक में वर्चुअल ग्राउंड वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्चुअल में ये क्या है, वर्चुअल शॉर्ट ही है। और वर्चुअल शॉर्ट में अगर ये वाला वोल्टेज जीरो है तो बाय डिफॉल्ट ये वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो। तो इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में आ गए होंगे। और अगली क्लासेस से मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स लूंगा, नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लूंगा, सो दैट आपके पास कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बस इस क्लास तक आपको पेशेंस चाहिए था। और मैंने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट यहां पर आप जो डिस्कस किए हैं, इनको प्लीज आप स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में राइट करिएगा, लिखिएगा, समझिएगा। और जो भी आपके डाउट बनते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, डाउट बनेंगे ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं एक एक पार्ट को अलग अलग एलोबरेट करके कराने वाला हूं। मैं हर पार्ट पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने बढ़ा दूंगा कि वहां से डाउट बनेंगे नहीं। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है स्टूडेंट्स, लेक्चर्स को एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉपर ब्रीफिंग चाहिए। स्टूडेंट्स लेक्चर्स को प्रॉपर देखिए और स्टे कनेक्ट रहिए। तो आज का टॉपिक मैं यहां पर एंड करता हूं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।